बोले बताओ क्या तुम्हारी स्वप्न है। तो मैंने देखा ठीक ब्रह्म मुहूर्त में दो एक बालक और एक बालिका। जो बालक है एकदम श्याम रंग की, और जो बालिका एकदम बिजली चमकती हुई बड़ी सुंदरी कोई एक लड़की। और ये दोनों मेरे हृदय में प्रवेश किया, और मेरी हृदय से फिर ये तुम्हारी हृदय में प्रवेश किया है, लगता है हमारी संतान होने वाली। और क्या देखा जानते हो? बोले क्या देखे? बोले मैंने देखा तेरी गोद में एक श्याम सलोन सा बालक खोल रहा, हार से दूध बह रहा था। मेरे को स्वप्न नहीं लगा, सचमुच तेरे गोद में एक बच्चा है। मैया बोली मेरे स्वप्न सुन लो। बोले बताओ। बोले मैंने भी यही स्वप्न देखा, एक सुंदर श्याम रंग का बालक मेरे पीछे पीछे माँ 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 करते करते आ रहा है, मेरे कपड़े खींचे करके बोले मैया मेरे को गोद में ले ले, मेरे को दूध पिला ले। मैंने स्वप्न नहीं लगा, सचमुच कोई एक बालक है। और उसी रात को ही मैया यशोदा ने गर्भ धारण की, और नंद के लाला होने वाले हैं। और जितने ब्रज की गोपियां थी ना, वो छह छह महीना पहले से ही चौरासी गज की लहंगा चुंदरी बना करके रखे। बोले नंद के लाला होगा तो हम इसको पहन करके बधाई देने जाएंगे। और जितने गोप लोग थे और सुंदर, उन्होंने पगड़ी बना करके रखी। इतने में मैं पहले तो मस्जिद नहीं होता था, पहले बड़ी बुढ़ियों को कुछ आवाज होता था, खुद इशारा से बोल देते थे बेटा बना बैठी होगी। एक बूढ़ी बूढ़ी मैया बोली मैया जसोदे लगता है तेरे पेट में लाला होगा। बोले पता कैसे चला? बोले तेरे जो होठ है ना पीला नहीं लगती, इसका लक्षण कहते हैं। अगर जिसकी होठ पीला पीला होगा पता चलेगा इसका गर्भवत बेटा है। एक बड़ी बड़ी गोपी बोली मैया तूने कुंवारी पड़े में जुड़वा केले तो नहीं खा ली थी? बोले क्यों? बोले ऐसे लगता है तेरे पेट में दो बालक है। सचमुच से कृष्ण और जोग माया दो बच्चे थे। अभी गर्भ में जो बच्चा हो माताओं को देखना चटपटी चीज अच्छी लगती है, मिर्च मसाला खट्टा हाँ ये सब चीज अच्छी लगती है। मैया बोली मेरे को तो खीर खाने की इच्छा हो रही है। तब बड़े सुंदर खीर बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाए और उन्होंने मैया जसोदा को खिलाए। देखो माताएं ध्यान देकर सुनो, कहते एक होता है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार मतलब क्या? जब पेट में बच्चा होना, आप अगर रामायण पढ़ोगे, गीता पढ़ोगे, भागवत पढ़ोगे, आपका पेट में जो बच्चा होगा ना बड़ा संस्कारी बनेगा, बड़े धार्मिक स्वभाव का बनेगा। वो जन्म लेते ही पिता माता के चरण छुएगा, पिता माता की आज्ञा पालन करेगा। हम स्वयं देख लेंगे क्योंकि उसको ऊपर में अगर तुम सुंदर भगवान की तस्वीर देखोगे, पहले पहले यही करते थे, उनको राम की सुंदर कृष्ण की तस्वीर दिखाया करते थे, इनका तरफ अच्छा इम्प्रेशन पड़े हैं, अच्छे संस्कार पड़े इनको अंदर में। आप लोगों ने रामायण सुने होंगे, रामायण देखे हो? देखना जिस समय गर्भ में कौन लव और कुश गर्भ में थे, उसी समय में अयोध्या में बड़े बड़े साधु संत आए, उनने सत्संग करवाए। भगवान राम बोले सीते तेरे को पता है आज मैंने क्यों ये साधु संतों को बुलाए? बोले क्यों? चूंकि तुम्हारी गर्भ में बच्चा है, अगर तू तो सत्संग सुनोगे ना वो बच्चा संस्कारी बनेगी। बच्चे कौन बने? लव और कुश हुए। देखे कि लव कुश कैसे पराक्रमी हुए, सबको उन्होंने पछाड़ दिया। देखो अगर गर्भ में बच्चे हैं, उल्टा सीधा पिक्चर देखो, गर्दी गर्दी मूवी देखोगे, फिर तो गर्भ से ही वो डाकू बन कर आएगा, गर्भ से गुंडा बन कर आएगा और इतने सताएगा तो सोच भी नहीं सकते। इसलिए अभी बच्चे बात क्यों नहीं सुनते बताओ? हम सारा दुनिया में जाते हैं, एक ही बात बच्चे बात नहीं सुनते। एक तो गर्भ में रहते हुए उल्टा पुल्टा पिक्चर हमने देखी, उल्टा पुल्टा खाना खाए, रहन सहन सही नहीं रहा, इसलिए बच्चे संस्कार बनेंगे कहाँ से? बच्चे संस्कार बन ही नहीं सकते हैं। इसलिए इन सब चीजों को माताओं को ध्यान रखनी चाहिए, माताओं को। इसलिए मैया यशोदा को बड़ी सुंदर सुंदर राम की कथा सुनाया करते थे, बड़ी सुंदर भगवान राम की तस्वीर दिखाया करते थे, अच्छे ग्रंथों को सुनती थी, जैसे बच्चों को घर में अच्छे संस्कार पड़े। कहीं से लग रहा था अभी नंद बाबा की एक बहनी थी जिसका नाम थी सुनंदा, वो तो 6 महीना पहले से आकर घर में बैठी है। बोले क्यों? बोले भाभी गर्भ
छह महीना पहले से घर में आकर बैठ गई और घर का सारे काम 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 काज वही कर रही थी। ऐसे लग रहा था आज रात वही लाला की जन्म हो जाएगी। गांव में क्या होता है, 8 बजे तक सब जगे रहते हैं, उसके बाद सब सो जाते हैं। दो घंटा ड्यूटी लगवा दो, मजरा ढोलकी पकड़वा दो, बस कीर्तन करते रहे, हैं गोपिया कीर्तन करते रहे। 8 से 10 बजे तक जिनको ड्यूटी लगवाए वो तो बैठ करके कीर्तन कर रहे थे, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय वसुदेव महाराज लाला को लेकर के आए और लाला को रख करके तब लाली को लेकर चले गए, किसको पता ही नहीं पड़ा। सबके सब जोग माया निद्रा में सोए हुए, एकदम सवेरे सवेरे सुनंदा की आंख खोली देखा सबके सब सोए पड़े, बोले भैया भाभी का क्या हालत है। जा करके दरवाजा खोल करके देखा मैया जसोदा की गोद में बड़ा सुंदर एक श्याम सरना एक सुंदर बच्चा खेल रहा है। बोले भैया किसको पता ही नहीं चला तब नंद के लाला है। सबसे पहले श्री नंद बाबा को खबर देनी चाहिए, मेरे को नवला की हार मिली। बोले श्री नंद बाबा है कहाँ पर, ढूंढते ढूंढते देखा नंद बाबा ब्रह्मांड घाट में बड़े बूढ़ों को बीच में बैठ कर माला जप कर रहे थे। माला जप नहीं हो रहा था, सोच रहे थे घर में छोरा कब है वो, घर में छोरा कब है वो, घर लाला कब है वो, वही सोच रहे थे। इतने में श्री सुनंदा आकर के बोली, बोले भैया कमाल है ये वही। इतना बोलते ही तो नंद बाबा छलांग लगाए, बोले बहन कहाँ गई हो, बोले ये बता मेरे को मिलेगा क्या, फिर मैं बोलूंगी, मैं 6 महीना से घर में आकर बैठी हुई हूँ, हैं बताओ मिलेगा क्या। बोले ले नवला की हार ले। जब दे दिए बोले भैया बात इतने बड़ी जिसको सामने नवला का हार भी कछु नहीं। बोले क्या बोल रहे हो, नवला की हार है। बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी है, बता और क्या दोगे। बोले ये जमुना किनारे में जितने जमीनी जगह था जागत है सब के सब तेरे नाम पर लिखवा दूंगा, आज से तेरा नाम पर लिखवा दूंगा, बताओ तो। बोले भैया बात इतने बड़ी है जिसको सामने वो भी फीकी। बोले बोल रहे हो क्या, बोले और क्या दोगे। बोले ले ट्रेजरी का सारी चाबी गाठी तू ले ले, जो इच्छा वही खोल कर ले ले, लेकिन बता तो सही घर में कहा भयो है। बोले भैया तेरे घर में लाला भयो है। बोले श्री नंद के लाला की, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। नंद बाबा तो वहीं से ही दौड़ लगाए, लेकिन जो बाबा जीवन में पहला बार तो लाला के मुख दर्शन करोगे, अर्थात सज-धज करते जा अभी दुनिया आएगा दर्शन करने के लिए। बड़े सुंदर बगल में थी उनको धोती और पगड़ी बधा बांध दिए और बड़े सुंदर गले में फूलों की माला और तिलक लगाए थे। बोले देखो अभी कैसे लग रहे हैं। बोले भैया चोखा लग रहा हूँ, लेकिन एक चीज की कसर रह गई। बोले किस चीज की, बोले दाढ़ी ना थोड़ा सफेद सफेद है। बोले चिंता करते क्यों करते, दाढ़ी को भी काली करते थे। बोले अभी देखो रात बढ़िया लग रहा हूँ। बोले जाओ अभी लाला के मुख का दर्शन कर। नंद बाबा कितने तपस्या कितने चक्या, उन्होंने क्या दान पुण्य नहीं किया, घर में एक बेटा जन्म हो जाए क्यों, भविष्य में कोई नहीं राजगद्दी को संभालने के लिए। लेकिन जब पहला बार उन्होंने लाला की मुख दर्शन किए इतने प्रसन्न हो गए, मन मन में संकल्प किया संत और ब्राह्मणों को मैं 20 लाख गैया दान दूंगा और 7 दिन का पर्वत मखमल बल कपड़े ओढ़ करके में दान के लिए उन्होंने संकल्प ग्रहण कर लिया। और उन्होंने पहले संत और ब्राह्मणों को बुलाया, इनके आशीर्वाद से
आज बड़े बुढ़ी उम्र में श्री लाला को मुख दर्शन करने का मिला है। पहले इनको बुला और स्वस्ति वाचन पढ़ा करके इनका आशीर्वाद दो। अभी ब्राह्मण संत लोग स्वस्ति वाचन पढ़ करके आशीर्वाद दिए और नाई को बोले जाओ ढिंडरा भिजवा दो, नंद के लाला भाई और ये सब के सब बधाई देने के लिए आए। 16 श्रृंगार द्वादश आभरण पहन लेकर के बधाई देने के लिए आ रहे थे। आते समय कान में कुंडल पहन रखी थी, वो कुंडल जोर जोर से हिल रहा था। बोले क्यों? कुंडल ये बोल रहा था तुम लोग पहुंचने से पहले मुझे छोड़ दो, हम जाकर के नंद लाला को बधाई दे। चोटी में जो सुंदर फूलों की माला से श्रृंगार की थी, एक एक फूल गिरते गिरते चरण के ऊपर भी गिर रहा था। बोले किस लिए? बोले जो व्यक्ति कृष्ण को बधाई देने जा रही है उनकी चरण की पूजा करनी चाहिए। अगर चोटी में रहेंगे फिर तो खोल करके यमुना में बहा देंगे, अगर ब्रज रज में मिल जाएंगे कन्या जो बड़ा होकर ठुमुक ठुमुक करके गली गलियों में चलेगा हमें प्राप्त होगी। नंद बाबा को और जितने ब्रजवासी आकर के श्री जसोदा मैया को, जितने गोपियां जसोदा को और जितने पुरुष लोग नंद बाबा को बधाई दे रहे थे, मैं बोलूंगा नंद बाबा बधाई हो, जसोदा बधाई हो। आप लोग क्या बोलोगे? जोर से बोलना बधाई हो, बधाई हो। बोले मैया जसोदा बधाई हो, आनंद नहीं है। कुछ लोग तो चुप बैठे और कुछ लोग बोल रहे, अरे जोर से बोलो। बोले नंद बाबा बधाई हो, बोले बधाई हो, बधाई हो। बोले तुम लोगों का आशीर्वाद से ये बूढ़ा और बुढ़ी उम्र दर्शन करने को मिलो है। लाला हमारी नहीं लाला, तुम लोगों को लाला हो। तो जितने गोप और गोपियां ना अपना हृदय से आशीर्वाद दे रहे थे। बोले क्या आशीर्वाद दे रहे थे? बोले जुग जुग जियोरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियोरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियोरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियोरी जसोदा मैया तेरो ललना। Thank you.
बोले भैया इतने हाथी घोड़ा दान दे रहे हैं, अगर भूल से मेरे लाला को हाथी मानकर दान दे दिया तो फिर क्या होगा। इसलिए उन्होंने गणेश जी को गोद में लेकर के बड़े जोर से चुपका कर खड़ी हुई थी। वहां पर धन कुबेर स्वयं आए। कुबेर, कुबेर कौन है? सारे रुपया पैसा के जो खजाना जी है। इसलिए वो भी चक्कर में पड़ गए। बोले क्यों? बोले आज नंद बाबा इतना दान दे रहे हैं। नंद बाबा मेरे पास में भी इतना धन दौलत है ही नहीं, फिर ठाकुर जी मेरे को एक कुबेर पद क्यों दे दिया? इसलिए वो शर्मिंदा में पड़ गए, सर उनकी झुक गई। बोले भैया इतने कहां रुपया पैसा आया, जहां कुबेर भी लज्जित हो जाए। बोले जहां पर कृष्ण जन्म हुए उनकी लादनी शक्ति पराशक्ति स्वयं श्री राधा रानी भी वहां पर आ गई। राधा रानी ने जितने रिद्धि सिद्धि वैभव का आदेश दिया, आज नंद बाबा जितने लुटाए ना उतना ही धन दौलत जैसे बढ़ते रहे। कभी कमी नहीं होनी चाहिए, कभी कमी नहीं रहनी चाहिए। इसलिए सब के सब गा रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। लेकिन सबके सब तो गा रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति बड़ी दुखी होकर बैठी हुई थी। बोले भैया ये कौन है? बोले श्री रोहिणी। बोले ये रोहिणी क्यों बैठी हुई? बोले ये प्रसिद्ध भत्रिका। कौन है? क्या है? कहते प्रसिद्ध भत्रिका। बोले प्रसिद्ध भत्रिका का मतलब क्या है? बोले जिसका पति दूर देश में हो और विपद में पड़ा हुआ। पति कहां पर? मथुरा में। किस रूप में? कंस के कारागार में। अगर किसका पति कारागार में बैठा हुआ हो, उसका पत्नी सबके बीच में कभी नाचेगी? कभी नाच नहीं सकती। तभी तो वही नाच सकती है जिसकी हृदय में आनंद है, है? जो दुखी वो नहीं नाचेगा, जो सुखी वही नाचता है। इसलिए अभी पति जेल में बैठे हुए नाचेगी कैसे, और ये गुमसुम करके घर के एक कोने में बैठी हुई। नंद बाबा ने देखा भैया सबके सब यहाँ नाच रही है, लेकिन घर की सदस्य रोहिणी कहाँ है? देखा रोहिणी एक कोने में बैठी हुई। बोले रोहिणी मेरे को पता है तेरे पति जेल में है, अरे कम से कम लाला को थोड़ा आशीर्वाद तो देने के लिए आओ, इतना तो करो। तब उन्होंने श्री बलदेव प्रभु को लेकर के आए। बलदेव प्रभु कृष्ण से 15 दिन बड़े, कृष्ण से 15 दिन बड़े। लेकिन जब से बलदेव प्रभु जन्म हुए वो तब से वो भी आंख बंद करके बैठे हुए। बोले सर्वप्रथम मैं आंख खोलूंगा तो सबसे पहले मैं अपना छोटे भाई कान्हा को देख करके फिर दुनिया को देखूंगा। इतने में रोहिणी ने ताऊ भैया को ला करके कन्हैया के पास में उनको लेटा दिया। जब लेटा दिया ना, इतने में श्री बलदेव प्रभु ने अपना आंख खोल दिए। आंख खोल दिए तो श्री रोहिणी मैया इतने प्रसन्न रोहिणी हो गई, उसको आनंद की सीमा नहीं रही। वो भी ठुमक लगा करके बस श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। एक बधाई आई उभज में है रही जय जय कारे नंदी घर लाल आयो राम गोसाई
नाचना तो सबको पड़ेगा, चाहे भगवान के सामने नाचो चाहे दुनियादारी नाच लो, इसलिए चाहे भगवान के सामने नाचेंगे तो हमारा कल्याण की ओर मांग रहा अग्रसर होगा।
पेट में रहते हुए बच्चे अभी बीमारी पड़ जाती है। ये कारण क्या है? कारण यही है
जो चीज जहाँ से मिलनी चाहिए वो चीज हमें नहीं मिलती, इसलिए हर समय बच्चे को जूता पहना कर मत रखा करो। जब स्कूल जाता है तभी जूता पहना कर भेजना, दिन भर खाने खाने के घर में और सोने का घर में जूता पहन कर दिन भर घूमते हैं। इसलिए कोशिश करो बच्चों को आप लोगों की जैसे रसोई बनाते हैं वैसे जूता चप्पल पहन कर रसोई बनाते हैं। ये ठाकुर के बारे में भोग कैसे लगेगी ठाकुर जी को, ये जूता चप्पल बाहर रखने का चीज। हाँ, अगर ज्यादा ठंडा है उस समय एक कपड़े की जूता होता है ठंडा है उसको पहन करके आप घर में उसको व्यवहार करो, और जो केवल घर को अंदर में रहे घर से ये बाहर नहीं जाए तभी तो घर पवित्र बन करके रहेगा ना। देखो घर में अपवित्र अगर बन करके रहेगा ना माँ लक्ष्मी की भी कृपा नहीं होती है, है? घर करनी चाहिए घर को पवित्र रखनी चाहिए। बोले पुतना क्यों आए, पुतना कहाँ प्रवेश करती है? बोले अपवित्र वही प्रवेश करती है जहां पर प्रभु का नाम नहीं कीर्तन नहीं भजन नहीं पूजा नहीं पाठ नहीं वहीं पर ये अपवित्र प्रवेश करती है। लेकिन यहाँ पर तो स्वयं आनंद करता भगवान कृष्ण है, पर ये पुतना कैसे यहाँ पर प्रवेश करती? लेकिन ठाकुर जी की इच्छा है, क्योंकि अगर पुतना नहीं आती ना फिर हम कथा किसको सुनते? रावण नहीं होता रामायण में होता, फिर कंस नहीं होता कृष्ण लीला फिर होती होती नहीं। इसलिए ये एक तरह से ठाकुर जी की इच्छा से ही पुतना कहाँ पर गोकुल में आई और इतने सुंदर बनी, इतने सुंदर बनी हुई थी ऐसे लग रहा था मानव कृष्ण गोकुल में जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी स्वयं वैकुंठ से उतर करके ठाकुर का स्वागत करने के लिए आई और उसने सीधा तो प्रवेश कर गई नंद भवन में। उसी समय में मैया जसोदा और रोहिणी कृष्ण को पलने में झूला रही थी, गा रही थी बोले जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग गोकुल में आयो नंद लाला गोकुल में आयो नंद लाला मेरो गोपाला मेरो अच्छी बात बताए। आज मैं आपको पांच कारण बताऊंगा, कल आपसे सुनाऊंगा, ठीक है? मैं देखूंगा मेरे को कौन बोल पाता है। पहला कारण है कृष्ण आंख क्यों बंद की। पहला कारण बताए बोले ठाकुर जगत में आए क्यों, वो इसीलिए आए परित्राणाय साधु नाम विनाशाय जो दुष्टता, दुष्टों को विनाश करने के लिए संतों को रक्षा करने के लिए आए। आज ठाकुर जी श्री गणेश करने जा रहे, सबसे पहले ठाकुर किसको मारे, पुतना को। अभी कृष्ण पुतना को मारेंगे लेकिन वो चुके ठाकुर जी बड़े दयालु रहे, गोद में उठाया बोले मैया जसोदा ऐसे लाला को थोड़ी पलने में झुलाते हैं, उसको तो गोद में लेकर दूध पिलानी चाहिए। लेकिन अभी तो इसको मैं मारने वाला हूँ, अभी तो ये छटपट आएगी लेकिन इसके दुख को मैं सहन कैसे करूं, इसलिए मानव प्रभु ने आंख बंद कर दी। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है वो आई क्यों, बोले बच्चों को मारने के लिए। बोले ब्रज में जितने अभी बच्चे जन्म हुए हैं कृष्ण की सखा और सखिया कई श्रीधाम मधुमंगल लबंग स्तोभ कृष्ण ललिता विशाखा चंपक लता सब इनकी सखा सखिया यहाँ जन्म हुई, अभी ये इनको मारने के लिए आई। अभी कृष्ण ने कहा तुमने बच्चों को मारने के लिए आई, ये बच्चे तो मेरे सखा सखी हैं इसलिए तो मेरे भक्तों को मारने के लिए आए हो, इसलिए मैं तेरे मुंह देखना नहीं चाहता। इसलिए ठाकुर बंद कर लिया। इसमें कितना कारण हो गया,
तीसरा कारण है देखना बच्चों में भी स्वभाव क्या स्वभाव है। अगर अपना परिवार के कोई लोग है ना उनको सामने खेलते हैं कूदते हैं खाते पीते हैं, लेकिन कोई अनजान व्यक्ति आ जाए ना फिर बच्चा डर जाता है, और ये ताली के कहाँ से आ गई इसको मैं कभी देखी ना। इसलिए ठाकुर जी मारे डर का मारे उन्होंने आंखों को बंद कर दिया। चौथा कारण बताए अभी ये स्थान में जहर लेकर के आए कृष्ण को मारने के लिए है। अभी कृष्ण को गर्भ को अंदर में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड विद्यमान भगवान के अंदर में, अगर भगवान जहर मान करके दे दिया होगा विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो जाएगी, हाँ विश्व ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगी। इसलिए अभी विश्व ब्रह्मांड घबरा गए, बोले हे प्रभु ये तो स्तर में काल को में जहर लेकर के आई है, अगर आप पान करोगे ना आपका पेट में उधर में तो विश्व ब्रह्मांड हम तो ध्वंस हो जाएंगे। ठाकुर जी आप इसको स्तर में पान विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो जाएगा। इतने में ठाकुर जी उन्होंने भोले बाबा को बुलाया, बोले भोले बाबा जल्दी जल्दी आग भक्त कर। बोले क्यों किया, तेरा काम है बीस पीना और मेरा काम है दूध पीना, तुम तो बीस बीस को पी लो और मैं दूध दूध को पी लेता हूँ। ये चौथा कारण। बोले पश्चिमा कारण क्या है, बोले कृष्ण सोच रहे हैं इसने पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा पुण्य की, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहीं आवत ना, लेकिन इसने पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा कर्म की जो साक्षात में परम ब्रह्म हो ये मेरे को गोद में उठा रही है और स्तन पान करा रही है। माना ठाकुर जी आंख बंद करके उसको पूर्व जन्म को देख रहे थे, बोले सचमुच से ये पुण्यात्मा है। क्योंकि जब भगवान वामन अवतार लेकर बलि महाराज का घर में गए उनकी बेटी रत्नमाला की इच्छा थी अगर ये मेरे बेटा बन करके आएगा ना उसको दिन भर में लाऊंगी इतने पुतना ने छुड़ाने के लिए कोशिश की। ठाकुर जी बोले देखो मैं सहज में तो किसको मैं पकड़ता ही नहीं, अगर एक बार किसको पकड़ लिया ना मैं छोड़ने वाला नहीं, जब तक अपना चरण में नहीं पहुंचा देता हूँ तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए उनको छुड़ा नहीं सकी। अभी वो सोच रही है किसी तरह से उसको मैं मथुरा ले जाऊं, क्योंकि भैया कंस कुछ ना कुछ करेगा। जब कृष्ण को लेकर के उड़ने लगी बोले कहाँ जाओगे मेरे पास में आना, इसलिए यहाँ से मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा जब तक अपना चरण में नहीं पहुंचा देती हूँ। पुतना ने विकराल रूप धारण की, क्या भयंकर उसकी स्वरूप थी, कृष्ण को पकड़ करके आकाश में उड़ चली। जब उड़ चली इतने में श्री कंस का एक सुंदर बगीचा था, सबसे प्यारा बगीचा जिसमें सुंदर फल फूल से भरा पड़ा हुआ, लेकिन उनको निर्देश था हैं ये जो ये जंगल का कोई भी उद्यान का कोई भी फल फूल कृष्ण और कृष्ण भक्तों की सेवा में नहीं लगनी चाहिए, जो मेरे अनुजाई जितना पुतना अघास रूप अकाश रूप इनकी सेवा में लगनी। कृष्ण ने कहा दारी है दुनिया बनाया मैं नहीं, दुनिया मेरा है और मेरे भक्त और मेरे सेवा में नहीं लगेगा और जितने दुष्ट लोग उसको खाएंगे अभी तेरे को मजा चखा था। उन्होंने पुतना को उठा करके वहीं पर ले गया और पुतना को उन्होंने यहीं से गिराया। बोले पुतना कितने बड़ी थी, बोले त्रिकप्युती आठर मी, कुछ कुछ संत लोग ऐसे कहते हैं जहां पर उसका मूड़ गिरा ना उसका नाम मूर्सान हो गया, जहां पर उसका हाथ गिरा उसका नाम हाथरस हो गया, जिसको उसका घर गिला हो गया आगरा, जहां पर उसका अलंकार गिला हो गया वो आलीगढ़। इतने बड़ी पुतना थी, इसलिए जब गिरी जितना पेड़ पौधा फल फूल था ना वो सब सत्यानाश हो गया, सारे बर्बाद हो गए। हमारे टीकाकार एक बहुत हम लोग का सात दिन कथा सुनाए, कितना दिन कथा सुनाए सात दिन, कम से कम कथा से एक शिक्षा लेते जाओ। ये भगवान ये पुतना को लेकर वहां क्यों गिरा है, कारण क्या था, बोले कारण है ये उपनिषद कहता है ईसा वास्तव इदम सर्वम जत किंचा जगत है जगत, मतलब हम जगत में जो कुछ देखते हैं ये भगवान देखते हैं, ठाकुर ने सब कुछ बनाया हमने कोई चीज नहीं बनाई। फिर क्या करनी चाहिए, बोले तेना तेतन भूलता,
घर में जो कुछ खाओ पहले ठाकुर जी को भोग लो। ठाकुर जी देखो कभी घटती नहीं, हम कहते ना प्रसाद प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। ठाकुर जी को भोग लगाकर खा लेना, घर में कभी कमी नहीं पड़ेगी, घर में कभी कमी नहीं पड़ेगी। माँ लक्ष्मी क्योंकि नारायण के सेवा में लग रहा है तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी। जब प्रसन्न होगी तुम्हें छुपा छुपा करके पैसा देकर ले जाएगी। क्यों? तुम जो सेवा कर रहे हो किसको? नारायण की सेवा कर रहे हो। तुम ठाकुर जी को सेवा करती हो तभी तो लक्ष्मी खुश हो जाएगी ना। इसलिए क्या करनी चाहिए, घर में ठाकुर को सामने धर लो, उसमें तुलसी पता दो, तुलसी पता देकर बोले ठाकुर जी आप भोजन करो, है आप भोजन करो और भगवान की प्रसाद खाओगे ना, आप स्वयं दे देना। हम प्रसाद मांग मांग कर खाते हैं ना, प्रसाद हम मांग मांग करके प्रसाद खाते हैं। प्रसाद मतलब होता है आशीर्वाद। ठाकुर जी की बड़ी आशीर्वाद आपको ऊपर होगी, बड़ी कृपा आपको ऊपर होगी अगर ठाकुर जी को भोग लगा कर खाओगे तो। आप लोग स्वयं देख लो, पहले अपने घर में तुम्हारी माता जी की, माता जी पहले क्या करती थी, पहले जो कुछ घर में खाना बनती थी क्या करती थी, पहले ठाकुर को सामने रखती थी, तुलसी पत्ता दे करके भोग लगाती थी। इसलिए आप लोग भी कम से कम कथा से इतने चीज लेकर के जाओ, घर में जो कुछ खाना ठाकुर जी को भोग लगा। ठीक है, घर में भोग लगाते हो? कौन कौन भोग लगाते हो? कौन कौन घर में भोग लगाते हो? जो लगाते हो अच्छी बात है, जो नहीं लगाते हो क्या करना ठाकुर जी को। जब तुमने कल बोल रहा था ना ये सुदामा दरिद्र क्यों बना, ये सुदामा धनी क्यों बना, दरिद्र इसलिए बना कृष्ण को नहीं देख रहे खाया। धनी क्यों बना? जब ठाकुर जी को पास में गए, ठाकुर जी दो पेटी चिड़वा खाया तो त्रिभुवन की राज्य ठाकुर ने ले दिया, त्रिभुवन की राज्य ले लिया है। इसलिए भगवान को जरूर देख करके खाया करो, खाओगे तो घर में शांति और सुख बनी रहेगी। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ भक्त लोग कहते हैं हम तो ठाकुर जी को खिलाते हैं। बोले कैसे खिलाते हैं? बोले खुद तो प्याज लहसुन खाते हैं और ठाकुर जी को थोड़ी सी बाता से भोग लगा देते हैं, नहीं तो थोड़ी सी एक ग्लास ठाकुर को दूध दे दिया, बोलते हम ठाकुर को तो भोग लगाते हैं। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। देखो प्याज लहसुन तो एक तो प्याज लहसुन नहीं बनानी चाहिए, प्याज लहसुन को छोड़ देनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए प्याज लहसुन छूट जाए। देखो हमारे बड़े गुरु जी कहते थे जैसे आपका घर में कोई एक नौकर है, आपका घर में कोई नौकर है वो क्या करता है, खुद बढ़िया बढ़िया खाना बना बना कर खाता है और जो घर का मालिक को जैसे तैसे बनाकर कुछ को दे देता है, बढ़िया खाना बना कर खाता है। अगर मालिक फिर मालिक क्या करेगा बोलो, बोलो मालिक क्या करेगा, और बोलो मालिक क्या करेगा, उसको निकाल देगा कि नहीं? घर का मालिक कौन है? हम ना ठाकुर, हम घर का मालिक है। बोलो घर का ठाकुर कौन है? ठाकुर जी है। अगर हम उसको थोड़ी सी दूध दे दिया, बाता से लगा दिया और खुद प्याज लहसुन डाल डूब करके चका चक तुम खा रहे हो, पर ठाकुर जी देख रहे हैं कि नहीं? ठाकुर जी, पर ठाकुर जी हमें क्या करेंगे बताओ, ठाकुर जी हमें क्या करेंगे? इसलिए दुनिया उन्हीं का, दुनिया हमारी नहीं, हमने कोई चीज नहीं बनाई, ठाकुर जी सब कुछ ठाकुर जी बनाए। इसलिए कोशिश करना जैसे घर में प्याज लहसुन धीरे धीरे बंद हो जाए, पवित्र रूप में ठाकुर जी को खाना बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ और प्रसाद पाओ। आप स्वयं देख लेना, जो बच्चा तुम्हारी बात नहीं सुनता है, जो बच्चा तुम्हारी चंचलता करता है, जब प्रसाद खाएगा ना अब स्वयं देख लेना बच्चा अपने आप शांत हो जाएगा, अपने आप बच्चा शांत हो जाएगा, तुम्हारे आदेश को पालन करेगा। क्यों? जैसे खाओगे अर्ना वैसे बनेगा। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जब उन्होंने पुतना शरीर को उन्होंने जलाया, शरीर से कर्पूर अंगूर की खुशबू आ गई। बोले क्यों? बोले ठाकुर जिसकी स्तन पान किए उसका शरीर पवित्र हो गया, उसका शरीर। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते भैया पूजा करना तो कन्हैया का पूजा करो। बोले क्यों? देखो एक बढ़िया श्लोक मैंने बताया, बोले पुतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना
जिज्ञासया हरे स्तन अपसद्गति। कहते उसके अंदर में सारे अपगुण है। पहला नंबर पूतना, पूतना मतलब क्या, पूतना जो पवित्र नहीं जो अपवित्र है। बोले दूसरे नंबर में वो राक्षसी, बोले तीसरे नंबर में बच्चे को खून पीती थी, चौथा नंबर में भगवान के लिए लेकर के क्या आई, बोले जहर। देखो हमारे बांके बिहार कितने दयालु, वो ऐसी जो दुष्टा थी जिसके अंदर में कोई भी गुण नहीं, लेकिन हमारे बांके बिहार ऐसे है ना, सारे दुर्गुण से भी एक गुण को छांट लिया। बोले कौन सा गुण, वो जो माँ की रूप धारण करके आई थी, केवल एक सेकंड के लिए कृष्ण को अपना बच्चे रूप में देख लिया। बोले मैया जसोदे इतने सुंदर लला को थोड़ी पलना में झुलाते हैं, उसको तो गोद में लेकर प्यार करनी चाहिए। एक सेकंड के लिए जो उन्होंने माँ भाव से देख लिया, भगवान इतने में से रीझ गए और ठाकुर जी उसको गोलोक वृंदावन में ठाकुर जी भाई माँ की पद दे दिया। तब हमारे टीकाकार कहती है पुतना, पुतना मतलब क्या, जो पवित्र नहीं अपवित्र। अगर ठाकुर को पास में कोई बढ़िया थोड़ी कपड़े पहन करके आओ, जैसे आप लोग आज राधा रानी जन्म लेगी, आप बढ़िया बढ़िया गुलाब रंग के साड़ी पहन करके आए, नहा धो करके आए। अगर कोई ठाकुर को पास में कोई पवित्र बन करके आए, पर ठाकुर क्या नहीं देंगे, अब ठाकुर के लिए वो जहर लेकर के आए थे। अगर ठाकुर को पास में अगर कुछ भी नहीं, केवल थोड़ी सी भाव को लेकर के आए, नहीं तो उनको जो प्यारी चीज मक्खन मिश्री, नहीं तो कोई एक फल है, नहीं तो एक फूल लेकर के आओ, पर ठाकुर तुम्हें क्या नहीं देंगे। तीसरे नंबर वो थी राक्षसी। अगर राक्षस होती अगर ठाकुर इतने बड़े पद दे सकते हैं, अगर कोई इंसान आए, नहीं तो हृदय में थोड़ी सी भक्ति भावना लेकर के आए, पर ठाकुर उसको क्या नहीं देंगे ठाकुर जी। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मनि। अगर थोड़ी सी भक्ति भाव से ठाकुर के पास में आओ तो ठाकुर तुम्हें क्या नहीं देगा। इसलिए क्या करो, कहते भैया भक्ति करना तो श्री बांके बिहारी जी को भक्ति करो, वो तुम्हारी कोई दोष नहीं देखेंगे, तुम्हारे अंदर में सद्गुण को देख करके तुम्हें अपना चरण में स्थान दे देंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे। कहते ठाकुर जी सबसे पहले ये पुतना को क्यों मारे, ठाकुर जी शिक्षा देते हैं। देखो आप लोग बताओ तो भगवान ने राम सबसे पहले किसको मारे थे, कौन बोले हाथ उठा, तारका को मारे। देखो दोनों प्रभु एक ही लीला सिखा देते हैं। भगवान पुतना को सबसे पहले क्यों मारे, ठाकुर जी शिक्षा देते हैं अगर मुझे अपना दिल में बैठाना चाहते तो पहले पुतना को मारना, पुत मतलब पवित्र नाम मतलब नहीं, मतलब अपवित्रता को नष्ट कर पाए। इसलिए जो राम ने किसको मारे, बोले तारका। बोले तारका का मतलब क्या है, बोले ताड़ यती तारका, जीव को जो भगाता है। बोले जीव को कौन भगा रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह, यही हमें संसार में भगा रहे हैं। पूतना पुतना भी स्त्री और तारका भी स्त्री, दोनों प्रभु एक ही चीज सिखा देते हैं, हृदय को पवित्र बनानी चाहिए, तभी पवित्र हृदय में ठाकुर जी की आविर्भाव होता है। जब पुतना को उन्होंने मारे, नंदबाबा गए हुए थे मथुरा में कर को त्याग से देने के लिए, जब उन्होंने वापस आए उनको पता चला ये पुतना बड़ी सुंदर सुंदरता बन करके आई थी, लेकिन निकली राक्षसी। नंदबाबा बोले देखो ऐसे गहरे व्यक्तियों को घर में घुसने मत दिया करो, एकदम कड़ी पहरादार लगा दी। इतने में श्री भोले बाबा आए, श्री भोले बाबा आए। हम शंकर जी को कहते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन शंकर जी को तो सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, लेकिन शंकर जी का जो ड्रेस है ना वो कभी कभी ऊपर से बड़े असुंदर लगता है। आप बताओ शंकर जी शरीर में क्या लगाते हैं, कोई स्नो पाउडर क्रीम लगाते हैं, बताओ शंकर जी क्या लगाते हैं, बहुत ही लगाते हैं। बोले कहाँ के, बोले कोई पवित्र बहुत नहीं शमशान के लगाते हैं। बोले क्यों, शंकर जी के गुरु है, ये दुनिया को गुरु रूप में शिक्षा देते हैं। देखो प्यार करना तो ठाकुर जी को प्यार करो, जिस शरीर को ब्यूटी पार्लर में जब ले जाते हो रोज क्रीम बढ़िया साबुन लगा कर साफ करते हो ना, एक दिन इसका जो परिणाम, इसलिए अक्सर करके शंकर जी शमशान के पास में रहते हैं और वहीं से देखते हैं कैसे एक एक व्यक्ति को लाल लाकर जलाते हैं, डंडे मार मार कैसे जलाते हैं, और जब लाते हैं क्या बोलते बोलते ले आते हैं, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है,
सत्य बोलो गद्दे हैं सब कोई मार बोला एक बोल के बोल चले जाते हैं ना इसलिए शंकर जी शमशान को पास में बैठ बैठ कर सब देखते हैं हैं बोले कब तक कहते राम राम सत्य है बोले जब तक ये सब को अपना कंधे पर रखते हैं हैं लेकिन जब उतार देते हैं ना फिर कोई राम राम सत्य नहीं करना है बेटा सत्ता है पैसा सच्चा है बिल्कुल इसलिए शंकर जी वही बैठ बैठ कर सब चीज को देखते रहते हैं इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी शंकर जी पंचमुख में हर समय किसका नाम लेते हैं भगवान का नाम लेते हैं एक बार हाथ उठा करके बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 कमर में सब जगह में देखो अलंकार ये सर्प है बोले भैया सर्प कौन है बोले श्री अनंत देव है बोले ये अनंत देव कौन है करे भोले बाबा का गुरु है ये अनंत देव शंकर जी गुरु है इसलिए दुनिया को शिक्षा देते हैं अगर अलंकार धारणा करना है ना किस चीज की अलंकार धारणा करो बोले गुरु जी की उपदेश को जीवन में अलंकार रूप में धारण करो जिससे तुम्हारी संसार बंधन नष्ट हो जाए है इसलिए शंकर जी सर में कौन सा फूल चढ़ता है आतंक और धतुरे जो फूल को कभी ठाकुर की सभा में नहीं रखता है वो जंगल में जो अपने आप होता है शंकर जी वह पुष्पों को धारण करते हैं बोले जूही बेली चमेली क्यों नहीं धारण करते हैं शंकर जी कहते नहीं ये फूल तो मेरे प्रभु बांके बिहार के लिए जो जंगल में अपने आप हो जाए उसको मैं ग्रहण करूंगा वो खुद को छुपाने के लिए चाहते हैं इसलिए शंकर जी रहते कहां कैलाश में जाकर बर्फ के ऊपर रहते तभी लोग उनको पीछा नहीं छोड़ते तभी वहां पर भी सब पहुंच जाते हैं इसलिए शंकर जी अपने आप को छुपाने के लिए बहुत कोशिश की लेकिन शंकर जी छुपा नहीं सके बोले क्यों बोले कारण है शंकर जी के पास में सबसे पवित्र वस्तु है अब बता सकते क्या है कौन बोले हाथ कौन बोलो तो शंकर जी के शरीर में कौन सा पवित्र वस्तु है हाँ गंगा जल कौन बोला गंगा जल आगे निकले ताली होगा इसलिए शंकर जी की जटा में ये पति पावन श्री गंगा देवी जो पवित्र ठाकुर जी के चरणा मृत है हैं जिनकी जटा से ये गंगा आई है इसलिए पवित्र वस्तु है शंकर जी की इतने में शंकर जी गोकुल में ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए आए बोले ठाकुर जी के मैंने तो सारी लीला देखा है लेकिन वो भगवान होकर के मैया की लाला बन करके आए भूख लगे ना कन्हैया रोते ही मैया को पता चलता लाला को भूख लगी मच्छर काटते कृष्ण भगा नहीं पाते हैं है? रोते हैं पर मैया जाकर मच्छर भगाती है विश्व ब्रह्मांड को जो जाने वाले मैया क्या कहती हैं उनके अंगुल पकड़ करके ठुमो ठुमो करके चलाना सिखाती है कहते मैया की ये लीला तो हमने कभी देखो ही ना इसलिए शंकर जी श्रृंगार करते हुए अलग निवेदन करते करते गोकुल में पहुंचे जो गोकुल में पहुंचे वहां पर एक गोपी थी बोले बाबा क्या चाहिए बोले मैंने सुना है नंदक एक लाला भयो है बोले लाला भयो तो तेरे का भयो है बोले थोड़ी सी लाला को दर्शन करा दे बोले बाबा कुछ दिन पहले कितना आ गई थी वो तो बड़ी सुंदर श्रृंगार करके आई थी ऐसे लग रहा था जैसे वैकुंठ से लक्ष्मी आ गई इतने सुंदरी लेकिन निकली वो राक्षसी और तू तो देखने में वैसे लग रही है और तेरे को तो देख कर मेरा जी घबरा रहा है शरीर में सांप बिच्छू लटक रहा है हाँ जटा जो धारण किए हुए मेरे हमारे लाला के ऊपर बड़ी जल्दी नजर लग जाती है भैया लाला भला के दर्शन नहीं होएगा सोना चांदी जो लेना लो अपना रास्ता देखो उन्होंने जाकर के मैया को बोल दी बोले मैया कहीं से के बाबा आए हुए कहते लाला को दर्शन करा दे जिसको देख कर मेरी जी घबरा रहा है मैया भागते भागते आई बोले बाबा क्या चाहिए बोले भैया अपना लाला को दर्शन करा दे बड़ी आशीर्वाद दो बोले बाबा कुछ दिन पहले कुतना आई थी और तू तो देखने में बेसी लग रहे हो लाला का दर्शन नहीं होगा जो भिक्षा लेना लो अपना रास्ता देखो मैया तो कान्हा को लेकर घर की कोने में छुपा दी जब छुपा दी इतने में
मैया बोले लाला का दर्शन नहीं होगा, शंकर जी बोले जब तक दर्शन नहीं कराओगे त्रिशूल गाड़ करके बैठ जाता हूँ। बोले अगर बैठ गया तो बैठ जा, कोई बात नहीं, मेरे यहाँ पर चार दरवाजा है इसलिए दूसरे दरवाजा से निकाल दूंगा। बोले मैया मैं चार दरवाजा में चार रूप लेकर बैठ जाऊंगा। बोले मेरे 11 दरवाजा है। बोले मैं 11 रुद्र है। अब बताओ 11 रुद्र है, 11 दरवाजा में 11 रूप लेकर बैठ जाऊंगा। लाला जब बड़ा होगा घर से निकालोगे, जरूर मैं दर्शन करूंगा। इतने में शंकर जी बैठ करके भगवान को स्मरण करने लगे, प्रभु बड़े दूर से आया हूँ, तेरे सारे लीला देखा लेकिन बाल गोपाल रूप दर्शन नहीं किया, एक झलक दर्शन करा लो। शंकर जी कौन है? बोले वैष्णव नाम यथा संभो, भगवान की सबसे प्यारे भक्त श्री शंकर जी। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं रुद्र देहत जी नेह बस वानर भये हनुमान। शंकर जी जब देखा ये रुद्र शरीर से हम ठाकुर को सेवा नहीं कर सकते, शंकर ही स्वयं श्री हनुमत लाल बन करके आए। कृष्ण जब रास करेंगे शंकर जी गोपीश्वर बन करके आएंगे ठाकुर जी। इनके बगैर ठाकुर का कोई लीला नहीं होता है। जब ध्यान किया ना कृष्ण शंकर जी को दर्शन देने के लिए जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और जितने थपथप लगा करके उसको कोशिश कर बंद करने के लिए उतना जोर से रोए पूरा परिवार दंग हो गए। बोले क्या हो गया लाला को? एक गोपी ने कहा मैया वो जो बाबा आया ना वो त्रिशूल गाड़ करके बैठा हुआ आंख बंद करके लगता है तेरे लाला के ऊपर कोई जादू टोना कर रहा है। अरे मैया ने काले कपड़े से ओढ़ करके उनको मोटी मोटी काजल लगा दी, काजल का बूंद लगा दी और बड़े कष्ट से लेकर के आए। बोले ले बाबा दर्शन कर। एक झलक जब दर्शन कराया अभी तक तो कृष्ण रो रहे थे, कृष्ण तो खिलखिला कर हंसने लगे, शंकर जी हंस रहे थे, शंकर जी रोना शुरू कर दिया। मैया समझ गई ये बाबा कुछ जानता है क्योंकि लाला का तो रोना ले लिया अपना हंसना दे दिया। कहते बाबा तेरे कोई जादू थोड़ा आता है कि ना? बोले हाँ। बोले मेरे लाला को बड़ी जल्दी नजर लग जाती है, बताओ क्या करनी चाहिए? शंकर जी बोले एक काम करोगे तो कभी जादू इतना लगेगी नहीं। बोले बता दे। बोले मैं यहीं पर रहूंगा। इसलिए ठाकुर जी की चरणा से ही ये गंगा निकली। इसलिए शंकर जी बड़े चालाक है, बोले उनकी चरणा पर डाल दें। बोले सो कर लूंगा। बोले और कुछ करना पड़ेगा? बोले जब लाला को कोई भोजन कराओगे ना वो जो भजन बच जाएगी उसको ला करके मेरे को दे देना। बोले ठीक है, क्योंकि जब भगवान कोई चीज को ग्रहण करते हैं वो प्रसाद है, लेकिन वही प्रसाद जब भगवान किसी भक्तों को लग जाए ना फिर महा महा प्रसाद हो जाता है, वो प्रसाद की महिमा बढ़ जाती है। देखो और एक चीज समझो, जैसे कभी कभी हनुमान जी को पास में लड्डू ले जाते, सवा मणि के लड्डू ले गए और हनुमान के मुंह में ठोसते हैं, हनुमान जी खाओ, क्या हनुमान जी भूखे तुम्हारे लड्डू खाएंगे? अब देखना जब राम दरबार लगता है हनुमान जी कहाँ बैठते, हनुमान जी कहाँ बैठते हैं? चरण में। जब तक कि भगवान राम किसी चीज को ग्रहण नहीं करे, जब तक माता जानकी कोई चीज को ग्रहण नहीं करे ना, सवा मन किया 100 मन भी भोग लगाओ हनुमान उस तरफ में देखेंगे नहीं। कभी भी ये चीज को सीख करके जाओ, कभी भी कोई चीज हनुमान को डायरेक्ट भोग नहीं लगाना, हनुमान ग्रहण नहीं करते, क्योंकि हनुमान जी राम के एकनिष्ठ भक्त हैं। अगर उनको खिलाना चाहते हो ना पहले राम को सीता जी को पहले भोजन लगाओ फिर उसको खिलाओ ना शंकर जी, हनुमान जी बड़े खुश हो जाएंगे। उसी तरह शंकर जी, शंकर जी को और माता पार्वती भी वैष्णव भी है, इनको भी कोई चीज डायरेक्ट नहीं भोग लगानी चाहिए। आप शिव पुराण पढ़ो वहां पर बताए शंकर जी का डायरेक्ट प्रसाद खाने पर कुत्ता जन्म लेना पड़ता है, आप पढ़ करके देखना। इसलिए इनको डायरेक्ट कोई चीज भोग नहीं लगानी चाहिए, पहले बाकी बिहार को लगाओ नहीं तो भगवान राम को लगाओ, फिर वो प्रसाद शंकर जी को पार्वती को लगाओगे ना वो प्रसाद नहीं उसका महिमा और बढ़ जाती है, वो महा महा प्रसाद हो जाती है, प्रसाद की महिमा और बढ़ जाती है। इसलिए डायरेक्ट इनको कोई भी देवा देवी को, गणेश जी को, कोई भी देवा देवी को डायरेक्ट भोग नहीं लगानी चाहिए, पहले बांके बिहार में तो राम को लगाओ, ये प्रसाद पहले जितने देवा देवियों को दो बड़े खुश होकर खाएंगे और आप लोग जो मांगोगे ना
ठाकुर जी सब शंकर जी और पार्वती खुद आपको दिल से भर करके आपको देंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री हरि, जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। अभी कृष्णा धीरे धीरे जब बड़े हुए, एक दिन मैया यशोदा कन्या को बड़े सुंदर श्रृंगार किए, श्रृंगार करके जाओ कृष्ण बलराम को बोले तुम लोग खेलो। अभी कृष्ण बलराम सोच रहे हैं जब जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती ना, मैया यशोदा ये गोबर और गोमूत्र से हमें स्नान कराती। बोले भैया इसमें है क्या चीज, ये मैया गोमूत्र गोबर गैया की जो रज है इससे तिलक लगाती है। वहां पर गैया बंधे हुए बोले चलो आज हम जा करके गोबर और गोमूत्र शरीर में लगाएंगे। ये जितने गोमूत्र गोबर था ना पूरा शरीर से पोत दिए और दोनों भैया बैठे हुए। भैया बोले दोनों दुष्ट तो यहीं पे गए कहां। बोले कलुआ बलुआ तुम दोनों कहां हो। बोले भैया हम यहां पर। बोले वहां क्या कर रहे हो। देखा सारे शरीर में कीच कीच लगा हुआ। मैया को तो बड़ा क्रोध आ गया। बोले अभी अभी तुम दोनों का हमने श्रृंगार की और अभी अभी सारे बिगाड़ दिए दोनों को। क्या तुम पूर्व जन्म क्योंकि सुअर ही कीचड़ में लौट लौट जाते हैं। इतने में कृष्णा ने अपना सर को हिला रहे थे। बोले मैया पहले तो मैं सुअर ही था लेकिन तेरे कैसे पता चला। क्योंकि भगवान सत्ययुग में बराह अवतार नहीं था ना, ये बराह अवतार सुअर का अवतार है। बोले मैंने तो पहले सुअर अवतार लिया लेकिन तेरे कैसे पता चला मैं सुअर था। फिर मैया ने दोनों लाला को ला करके स्नान कराया फिर श्रृंगार कराया। आज भगवान ये गोमूत्र और गोबर की महिमा ठाकुर जी बताए। देखो अभी साइंटिस्ट लोग रिसर्च करके आप गोमूत्र से इतना प्योर करके अभी गोमूत्र से कितने मेडिसिन निकालते हैं। आप रोज रोज गोमूत्र थोड़ी पियो कोई बीमारी आपको नहीं होगी हैं। गोबर ये जो गोबर है अभी साइंटिस्ट लोग गोबर से भी रिसर्च करके धूप काठी बनाते हैं। उसमें धूप काठी कल बता रहे थे ना बच्चा, जैसे अब गोबर कंडा जलाओ और उसमें प्योर गैया की घी को डालो जिसमें ऑक्सीजन बनती है, जिस ऑक्सीजन प्रकट होता है। इसलिए ठाकुर जी स्वयं आज गोमूत्र गोबर की ठाकुर जी महिमा उन्होंने दुनिया को दिखाई। अभी कृष्ण जब बड़े हुए, बड़े होने पर मैया अभी नंद बाबा सोच रहे हैं लाला का कोई नाम कर। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, हम जैसे छोटू गड़ू जो कुछ मुंह में आता है वही बोलते हैं। इसलिए नंद बाबा सोच रहे हैं लाला दोनों का कोई नामकरण हो जाए। लेकिन गर्गा हमारे श्री वसुदेव महाराज क्या सोच रहे हैं कि लाला मेरा है। लेकिन नंद बाबा क्या सोच रहे हैं लाला मेरा है। लेकिन इतने में श्री वसुदेव महाराज गर्गाचार्य बोला है, बोले आप तो त्रिकाल दृष्टा सब जानते हो ये लाला मेरा है। मैंने रात रात जाकर के लाला को रख करके आया। आप जाओ कृष्ण का थोड़े से नामकरण कर देना और ऐसे एक नाम रखना जो मेरे नाम से मिलता जुलता हुआ नाम हो। इसलिए उन्होंने एक नाम रखा था वासुदेव। क्या नाम रखा था? वासुदेव का बेटा श्री वासुदेव। देखो जो नाम करने का कितना महत्व है। जैसे अभी अभी हम बच्चों का नाम टुल्लू बुल्लू टिंकी फिंकी ऐसे रख देते ना, कहते ऐसे मत रखा करो, ऐसे नाम नहीं रखनी चाहिए। देखो ये जितने नाम करने का जो संस्कार ये सब साइंस है। आप लोग तो हिंदू है, देखना जब शादी होती है इनकी जन्म पत्र मिलाते कि नहीं मिलाते। क्यों कहते ना ये लड़की मांगली है लड़का मांगला है बोलते हैं ना, क्यों ये जन्म पत्र मिलाते हैं हम लोग। कारण क्या है? कारण है किस नक्षत्र किस तिथि को लेकर को बच्चा जन्म हुआ उसका पहले उसका एक अक्षर निकालते हैं। वो अक्षर को पहले रख करके फिर नामकरण करते हैं। अगर रख करके अगर नामकरण करोगे ना शादी का समय में देखोगे फिर तो जन्म नक्षत्र तो देख करके। इसलिए आप बड़े बड़ों को पूछा पूछो डाइवोर्स नाम का कोई चीज सुने हो कि भारत में 30 वर्ष में डाइवोर्स हो रहा है। इसलिए I love you, फिर I leave you, फिर लास्ट में I kill you जाकर कोर्ट में जाकर के लड़ाई करते हैं। इसलिए ये सब चीज ज्यादा देर नहीं टिकती है, हैं? इसलिए लव गाने ज्यादा देर नहीं टिकती है। इसलिए नियम है
जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो चीज को दिखाकर गए अगर उसको आदर स्वरूप का पालन करोगे जिंदगी तुम्हारी सुखी रहोगे। नहीं तो जो लव मैरिज चीज है ना ये हमारी भारत का संस्कृति है नहीं, ये अंग्रेजी का संस्कृति है। हमारी संस्कृति है ये बड़े बड़ों को पूछो कभी उन्होंने उनको पूछ लो कभी पत्नी को देखने के लिए गए थे शादी से पहले, बड़े बड़ों को पूछ लो ये पत्नी को देखने के लिए घर में गए थे नहीं गए होंगे। पिता माता ने जहाँ आंख बंद करके शादी करवा दिया है वहीं पर ही आंख बंद करके बेटी और बेटा आंख बंद करके वही शादी करते थे, कुछ बोलते नहीं थे और वो शादी जिंदगी भर टिक जाती थी। लेकिन अभी ऐसे नहीं होता है, अभी क्या होता है पहले नहीं हम देखने के लिए जाएंगे घूमने के लिए जाएंगे, पहले बात करके घूमगी तो नहीं फोटो दिखाना पर नहीं होगा ऐसे नहीं, इसमें तो सादा नहीं बनाते हैं गोरे नहीं बनाते, अभी कितना कुछ देख करके शादी की तभी नहीं करती है। लेकिन पहले क्या होता था पिता माता जहाँ व्रत करवा दिया आंख बंद कर लेते थे और सारा जीवन अच्छे तरह से बीत जाती थी, बड़ी प्रेम से होने पर भी उसको मीमांसा कर लेता अभी नहीं स्नान करने के लिए तैयार है थोड़ी सी कुछ रात हो जाए मिल जाए। इसलिए ये जितने ये सब चीज है ना देखो मैंने रोहिणी से मैं कथा कर रहा था, जब मैंने ये सब कथा सुनाई ना कथा के बाद में एक माता जी आई, माता जी आकर बोले बाबा आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। मैंने कहा बल्कि मेरे दो बेटी है, मेरी दो बेटी है, मैंने कोई ज्योतिष वोतिष को नहीं बुलाया मनमानी ऐसे नाम रखवा दिया। जब शादी के समय आए फिर तो जन्म भत्ते मिला ही नहीं, हमने कहा कोई बात नहीं शादी करा दो। जब ससुर घर गए ना लड़ाई झगड़ा इतना लड़ाई झगड़ा दोनों बेटी अभी घर में आकर बैठी, दोनों को दोनों बेटी अभी घर में बैठी। इसलिए यहाँ पर श्री गर्गाचार्य हैं, ये गर्गाचार्य को श्री नंद महाराज भेजते हैं बोले जाओ, गर्गाचार्य को श्री वसुदेव महाराज भेजते जाओ बोले कहाँ बोले वृंदावन में जाओ, जा करके मेरे जो दो लाला है कृष्ण और बलराम उनका प्रणाम करना संस्कार करके आओ और ऐसे एक नाम रखियो जैसे जिनका नाम मेरे साथ में मिलता हुआ। पहले कैसे नाम होते थे कहते भैया बेटा कौन होता है, बेटा कौन है जो हमारी परंपरा को हमारी संस्कृति को पिताजी का नाम को जो उजाला करते है ना वो, फिर लास्ट में बच्चा क्या करता है पिताजी को पिंड प्रदान करता है। देखो ध्यान देकर पिताजी को पिंड प्रदान करता है बेटा है तभी पिता को पिंड नहीं मिलेगा, तभी पिता को जाकर पिंड मिलेगी। इसलिए पहले कैसे नामकरण होता था जैसे राम वो ऐसे नाम होता था जो उसकी पिता और उसकी पिता के साथ में मिले नाम। देखो जैसे राम आप बताओ राम के पिताजी का नाम क्या था बोलो जोर से दशरथ। दशरथ ने जो रा क्या है वो दशरथ से वो रा कर लिया है, यहाँ पहले राम हुआ फिर उसको बाद में राम जी का पिताजी का नाम क्या था उनका नाम था अर्ज, इसलिए वहां से लिया अर्ज, इसलिए यहाँ पर रखा राम और म। जैसे कृष्ण है पहले किस नाम रखते थे कृष्ण, कृष्ण के पिताजी का नाम क्या बोले गोकुल में नंद बाबा, है जो ना है जो जो सुना है नंद बाबा का नाम फिर से लिया बोले उनको पिताजी का नाम क्या था बोले परिजन बाबा, उसमें जो री कृष्ण जो री अक्षर है वो परिजन बाबा से लिया और लेकर उन्होंने कृष्ण नाम रखते थे। पहले जब नाम रखते थे उनकी पिता और उनके पिता अक्षर लेते थे, अक्षर को लेकर के कोई ठाकुर जी का नाम हो नहीं तो कोई संतों के नाम को रख देते थे। परसों कल सुन रहे थे ना कैसे अजामी अपना छोटा बेटा का नाम नारायण रखा और उसने केवल नारायण नारायण करते करते अंतिम समय में कैसे उसने अपना बेटे को नारायण बोल दिया इससे मुक्ति हो गई। इसलिए पहले लोग क्या रखते थे नाम सब ठाकुर के नाम पर धराए करते थे, भगवान के नाम पर धराए करते थे, जैसे कम से कम मुंह से ठाकुर जी की हमारी नाम लिखी ठीक है ना। इसलिए क्या करना बच्चों का नाम उल्टा पुल्टा टुन्नो भुल्लो टिक्की पिक्की ये अंग्रेजी नाम को नहीं रख करके क्या नाम रखना सबके सब श्री ठाकुर जी का नाम रखना, कम से कम मुंह से ठाकुर नाम निकले, जितने बार जीवा से ठाकुर का नाम निकलेगा जितना बार घर में ठाकुर का नाम गूंजेगा उतना ही घर का कल्याण है। कितना मंगल भवन
घर में अगर राम का नाम बारंबार, जैसे भैया का नाम बलराम है, हम की खुशी से आए नाम बलराम, इसलिए जितना बार घर में बलराम बलराम नाम गूंजेगा क्या होगा, घर की सारी गंदी चीज चली जाएगी, सारे नेगेटिव चीज घर से निकल जाएगी। क्यों? ठाकुर जी का नाम उच्चारण हो रहा है, ठाकुर जी की नाम। देखो आप बोलेगा ठाकुर का नाम से क्या होता है, नहीं, ये दुनिया सारे सप्तों के ऊपर चलता है। जैसे इनका नाम बलराम है, देखो सप्त की क्या कमाल है। अगर मैं बोलूं ये बलराम बहुत अच्छे प्रकृति के, बड़ी अच्छी नेचर के, सबको ऊपर दया करते हैं, इसकी अपकार करते नहीं, सबको आदर देते हैं, शब्द है ना, शब्द ही देखना खुश कर देगा। अगर अगर थोड़ी सी गाली दे दो, उल्टा पुल्टा कुछ बोल दो, फिर क्या होता है, एकदम क्रोध आ जाते हैं, क्रोध आ जाते कि नहीं, उल्टा पुल्टा बोलते क्रोध, चलो शब्द तो कुछ नहीं है ना। इसलिए भैया जब साधारण शब्द में इतनी शक्ति, फिर ठाकुर जी के नाम में कितने शक्ति नहीं होगा। ठाकुर जी की नाम देखो, अब एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। बोले एक समय साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, देखो क्या रिसर्च किया है, हम कहते हैं ना ठाकुर जी के नाम लेने से मंगल भवन अमंगल हरि। एक समय साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, देखो क्या रिसर्च किया, उन्होंने तीन ट्रे लिया, तीन ट्रे में जो साबुत मूंग दाल डालती है और थोड़े थोड़े उसमें पानी डाल दिया, और तीन तीनों ट्रे को अलग अलग जगह पर रखा, एक जगह पर साधारण जगह पर रखा और एक जगह पर जो भगवान का नाम कैसेट में जो चलता है ना भगवान का नाम, वहां पर चला दिया, और एक को पास में जो रख म्यूजिक चला दिया। बोले देखते हैं क्या होता है। जब उन्होंने तीन दिन बाद में देखा, जहां पर बेस मूंग डाल रखा था ना उसमें थोड़ी सी अंकुर आई, और जहां पर ठाकुर का नाम चल रहा था उसका दो तीन गुना ज्यादा अंकुर आया, और जहां पर ये रथ म्यूज की चल रही थी एक भी अंकुर नहीं आया, एक भी अंकुर नहीं आया। साइंटिस्ट ने देखा भैया सचमुच से ठाकुर का नाम में बड़ा ताकत है, ठाकुर का नाम में बड़ा शक्ति है, इसलिए क्या करनी चाहिए, बच्चों का नाम सबके सब ठाकुर का नाम पर रखो, है ठाकुर जी के नाम पर रखो। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्णा, हम लोग भी बोल रहे कृष्णा 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 हरे 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 बलराम का नाम लिखा। सबसे पहले उन्होंने बलराम नाम रखा। बोले क्यों? बोले अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहित गुण। बोले बड़ा बेटा का नाम होगा बलराम, क्योंकि बोले बलाधिक्यात बलम विदु, इसके अंदर में बड़ा बलवान बड़ा बलवान बलशाली होगा, इसलिए पहला अक्षर था बल, फिर उसका नाम होगा राम, राम मतलब सबको जो आराम दे, सबको जो शांति सुख दे, इसलिए इनका नाम होगा बलराम। और एक का नाम होगा शंकर सन। बोले क्यों? ये पहले देव के गर्भ में आए और जोग माया की, इसलिए इनके एक शंकर सन नाम और एक बलराम नाम होगा। अभी छोटा बेटा कृष्ण का नाम करने करेंगे, तो उन्होंने जन्म पत्री को देखा, ध्यान लगाए तो उनके आदत हो गई, ध्यान लग गई पूरा, नंद बाबा हाथ पकड़ कर हिलाए, बोले बताओ ना छोटा लाला का नाम क्या होगा। बोले नंद बाबा तेरे जो बेटा है ना, बोले आसन वर्णास्त्र जस्य गृह्णोत अनुजुगम तनु शुक्ल रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्ण ताम गत। बोले तेरा बेटा हर युग युग में आता है, सत्य युग में ये शुक्ल वर्ण धारण करके आया था, तृतीय युग में ये रक्त वर्ण धारण करके आया था, कलयुग में श्री नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आकर के सर्वत्र ये हरि कीर्तन को प्रचार करेगा, और ये द्वापर युग में कृष्ण काम करता, ये कृष्ण रूप लेकर के आएगा, इसलिए किसका नाम होगा, कृष्ण नाम होगा। तो नंद बाबा तेरे जो बेटा है ना, जिस जिस हर युग में कथा जदा जदा ही धर्म से ग्लाने भवति भारत, जब जब ये पृथ्वी ऊपर में कोई अमंगल को ब्राह्मण स्त्री है इनके ऊपर अत्याचार होता है, ये तेरा बेटा हर युग युग में आकर के दुष्टों का विनाश करता है
और धर्म को ये पालन करना है। ऐसे कोई वेद भी जिनकी नाम की जिसकी महिमा को था नहीं पाते हैं, कहते ना हरि अनंत हरि कथा अनंत, ये हर युग युग में अवतरण होता है। जब इस बात बता रहे थे वहां पर मैया जसोदा भी बैठी हुई, मैया जसोदा सोच रही थी ये ज्योतिष कोई काम की बात नहीं कर रहे, बिना काम की बात करते जा रहे, क्योंकि मैया जसोदा हो गई बूढ़ी। अभी हर माताओं के मन में ये इच्छा रहती है बेटा कब बड़ा हो जाए और बेटा का शादी हो और घर में जल्द जल्द बहू कैसा, क्योंकि घर में जब तक तो बहू नहीं आती है माता को सारे घर का काम काज करना पड़ता है, लेकिन जब घर में बहू आ जाए फिर बहुत सारे काम को बहू देख लेती है। इसलिए हर माता के मन में इच्छा बेटा जल्द जल्दी बड़ा हो जाए, शादी हो जाए, क्योंकि इनकी वृद्धावस्था में ही मैया सोच रही घर का काम काज कब तक करें, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ। इसलिए ज्योतिष को बताए कितने शादी होगी, कहाँ होगी, क्या होगा, थोड़ी सी शादी पर बात तो बताए, और पता नहीं क्या क्या बात बोलते जा रहे बिना मतलब की बात है। देखो उन्होंने एक श्लोक बोला जो एक श्लोक का दो अर्थ होता है। श्री गर्गाचार्य कहते हैं बहुनी संति नामानी, तेरे बेटा का नाम बहु नाम बहु रूप बहु गुण है, अनंत नाम अनंत महिमा। लेकिन देखो मैया जसोदा भोली भाली बेचारी है, देखो कैसे अर्थ लगाती है, वो कहते हैं बहुनी संति, लेकिन ये क्या सोच रहे हैं ज्योतिषी कह रहे हैं तेरे जो लाला है ना इसकी बहुत सारी बहू होगी, वो कह रहे बहू नहीं ये कह रहे बहू होगी। बोले अच्छी बात है, जितना बहू होगी उतना तो सास की सेवा करेगी ना। सचमुच से कृष्ण जब वृंदावन में थे राधा रानी तो थी, फिर ललिता विशाखा चंपक लता तुंगभद्रा चित्रा सुचित्रा, फिर कृष्ण जब रास करते शतकर्ण गोपियों के साथ में, और कृष्ण जब द्वारका गए कितना पटरानियां थी 16,108। बोले रूप कोई गोरी होगी, कोई सवर्ण वर्ण की, कोई काली होगी, सचमुच कोई सवर्ण वर्ण की, बोले कोई बात नहीं बहू होनी चाहिए हमारे घर में, बहू होनी चाहिए। मैया जसोदा तो बड़ी खुश हो गई, बोले वाह ज्योतिष बहुत अच्छी बात बताई है। तो उन्होंने मुंह मार के दक्षिणा प्रदान की और लाला को ज्योतिष की चरण में लेटा करके बोले लाला को थोड़ी आशीर्वाद दो। गर्गाचार्य जी ऊपर ऊपर में आशीर्वाद दे करके गर्गाचार्य बड़े प्रसन्न होकर के गर्गाचार्य चले गए। जब चले गए जितने बड़ी बूढ़ी थी मैया जसोदा से पूछी बोले बताओ ज्योतिष ने बच्चों का नामकरण किया है। बोले बड़ा बेटा का नाम बलराम और छोटा बेटा का नाम कृष्णा। बोले नाम तो बड़े अच्छे हैं लेकिन जो कृष्ण नाम जब तक ये जीवा तीन बार पलट नहीं जाए ना, देखना कृष्ण नाम नहीं निकलता है। इसलिए बोले भैया पत्रिका का नाम तो कृष्ण बलराम रहे लेकिन कलुआ और बलुआ, कलुआ और बलुआ ये दो नाम से हम पुकार करेंगे। इसलिए ब्रज में ये जो दोनों प्यारा नाम है ना कलुआ और बलुआ, उनका बड़ा प्यारा नाम है। बोले श्री कलुआ बलुआ की जय, जय श्री राम। एक भजन सुन लो फिर आगे श्री राधा रानी की जयंती करना सुनिए। कोई कहे गोविंद कोई गोपाल, कोई कहे गोविंद कोई गोपाल, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला,
और पी मतलब होता है पीना, जो नित्य निरंतर इंद्रियों द्वारा
कृष्ण भक्ति रस को जो पान करती ये गोपियां हैं जिनकी कटकट में कृष्ण बैठे हुए। जब ये आती थी कहां पर मथुरा में दूध दही बेचने के लिए बड़ी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी कथाएं करती थी। कृष्ण कितने सुंदर है, कृष्ण के घर चोरी करने के लिए आए, कैसे हमने उनको पकड़ लिया, रात श्याम सपने में आए और दही पी गई सारा रारा। बड़ी सुंदर सुंदर कृष्ण कथा सुनाते थे। अभी मथुरा में एक फल बेचने वाली थी, अभी वो कृष्ण कथा सुनते सुनते उसकी कंकण में कृष्ण बैठे, अभी वो सोचती है कृष्ण दर्शन कर गया। बोले कैसे आओ, मैंने सुना कृष्ण तो नंद राजा के बेटा है तो फल बेचने वाली। वो सोच रही है अगर मैं मीठे मीठे फल लेकर जाऊं, मैं बाहर खड़ी होकर के जोर जोर से आवाज लगाऊं, फल लेगा कर फल खाने का लोग से आए ना फिर कृष्ण दर्शन हो जाएगी। उन्होंने जोर जोर से आवाज लगाई, फल लेगा कौन फल, लेकिन कृष्ण आई नहीं। कृष्ण के सखा लोग आए, सीता वसुदा मधुमंगल, लेकिन वो मखन चोरी नहीं आया। वो बेचारी बड़ी दुखी होकर के आ गई। फिर दूसरे दिन भी सुंदर सुंदर फल लेकर के जाती है, दूसरे दिन भी जोर जोर से फल लगा आवाज लगाती, फल लेगा कौन फल, केले लेगा कौन केले। लेकिन कृष्ण के सखा लोग आए लेकिन वो मखन चोर नहीं आया। वो दूसरे दिन भी वापस आ जाती है दुखी होकर के, लेकिन जब तीसरे दिन जाती है ना वो प्रतिज्ञा करके कसम खा करके जाती है, आज अगर कृष्ण दर्शन नहीं मिलेगा तो आज मैं गोकुल से वापस नहीं आया। और कृष्ण चिंता करते करते वो इतने डूब गई, उसने भूल गई फल बेचना। वो कहती है गोपाल लेगा कौन गोपाल, गिरधारी लेगा कौन गिरधारी, कान्हा लेगा कौन कान्हा, वो भूल गई फल बेचना। और कृष्ण तो घटघटवासी सब जानते हैं। अभी कृष्ण अपना आंगन में गेहूं के ऊपर खेल रहे थे, हैं? खेल रहे थे। जब उनकी आवाज कृष्ण को कान में पड़ी, तीन दिन हो गई। अभी प्रश्न है कृष्ण ये दो दिन तक क्यों नहीं आए, कारण क्या? कारण बताए या तो भैया कृष्ण को पाने के लिए पागल होना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? पागल जब तक नहीं बन बना तब तक कृष्ण नहीं मिलेंगे। इसलिए कहते कोई धन दौलत के पागल है, कोई पागल है बेटे नारी के, लेकिन सच्चा पागल कौन है? सच्चा पागल वो है जो पागल है सिर्फ आपके बिहारी के। इसलिए जब तक उनकी प्रेम में नहीं डूब जाओगे ना कृष्ण मिलने वाले नहीं। और शिक्षा देते हैं कृष्ण, कहते भैया मेरे को खिलाने से पहले पहले मेरे भक्तों को खिला, मेरे भक्त अगर संतुष्ट हो गए ना मैं अपने आप प्रसन्न हो जाऊंगा। अभी कृष्ण फल खाने के लिए चाहते हैं, उसको दर्शन देना चाहते हैं। कृष्ण अपना हाथों में गेहूं उठाए और जब चलना शुरू की, अभी कृष्ण का उम्र कितना है? बोले 2.5-3 साल उम्र है। और बच्चों का हाथ ऐसे नहीं होता है, जब उनने गेहूं उठाया ये अमृत में छेद है, वो गेहूं गिरते गिरते कृष्ण के चरणों के ऊपर गिर रहा था। बोले क्यों? बोले ये गेहूं कौन है? लक्ष्मी। मानो लक्ष्मी कृष्ण के चरणों को पकड़ रही, बोले प्रभु मैं तो आपकी घर के कुछ कोने में पड़ी हुई हूँ, मेरे को घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो, मेरे को लेकर के दूसरे व्यक्ति को क्यों देने जा रहे हो, मैं आपका चरण पकड़ती हूँ, मेरे से घर से मत निकला रहो। लेकिन जब कृष्ण चलने लगे ना, मैया ने कृष्ण का पैर में नुपुर बांध कर रखी थी, वो नुपुर का छम 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 आवाज हो रहा था, मानो ये नुपुर ये कह रहा था बोले कृष्ण कहाँ जा रहे हो। कुछ दिन पहले पुतना आ गया ना, सगड़ासुर आ गया, तृणावर्त आ गया, तो मरते मरते बच गया, फिर घर से बाहर क्यों जा रहे हो? अगर तू जाओगे ना, नुपुर का आवाज कह रहा है, अगर तू जाओगे तो मैया को मैं बोल दूंगी खबरदार घर से बाहर मत निकला। नहीं निकला, ये आवाज हो रहा है। उन्होंने प्यार इसको नीचे से उन्होंने ऊपर उठा लिया, जब चिपक गया फिर आवाज और वो जो फल बेचने वाली थी तो पागली भी होकर के कान्हा लेगा कौन कान्हा, गोपाल लेगा कौन गोपाल, गिरधारी लेगा कौन गिरधारी। सचमुच से कृष्ण जो बाहर निकले इतने सुंदर, इतने कृष्ण सुंदर थे, उसने तो कृष्ण का रूप देख करके निहाल गई। अभी कृष्ण का हाथ में केवल 2-4 गेहूं और सब गेहूं नीचे सब गिर गए। और उन्होंने क्या किया, जो उनका टोकर थी टोकरी को अंदर में गेहूं डालते ही वो गेहूं अंदर में चला गया। और कृष्ण कहते मेरे को फल दे दे, मेरे को फल दे दे।
वो फल बेचने वाले बोले लाला तेरे को तो मैं फल दूंगी लेकिन पहले तो तू मेरे कुछ दे उसको बाद में फिर मैं फल दूंगी। कृष्ण ने कहा तू तो नई बात बोल रहे हो, मैं जब किसी घर घर में जाता हूँ मेरे को तो सबके सब गोद में बैठा करके मक्खन मिश्री और दूध मेरे को पिलाती है बड़े प्रेम से, आओ तू गए मेरे को दे। वो फल बेचने वाली बोली देख लाला तेरे को भी मैं ये फल दे दूंगी, तू एक बार मेरे गोद में बैठ जा, बैठ करके मेरे को माँ बोले मैं भी तेरे को सब कुछ दे दूंगी। अभी तो कृष्ण चिंता में पड़ी थी, अगर पता नहीं ये कहाँ से आई, अगर इसको गोद में बैठ करके माँ बोल दिया ना गोपियां देख लिया तो मेरे को चिढ़ाते रहेंगी। लेकिन कृष्ण इधर देखे उधर देखे पीछे देखे कोई आस पास में नहीं देखा कोई है नहीं, इतने में कृष्ण झट उसको गोद में बैठ गए बोले भैया मेरे को फल दे दे। अगर भगवान जिसकी गोद में बैठे अगर माँ बोले कितने सौभाग्य की बात है, उसका तो रोम रोम खिली उठी, जितने फल था ना कृष्ण की झोली भर दी, कृष्ण के सारे फल दे दिए कृष्ण को। देखो यहाँ प्रश्न होता है फिर कृष्ण उसकी गोद में क्यों बैठे, क्या साधारण बात है भगवान किसकी गोद में बैठे और फिर उसको भगवान ने अपना माँ भी बोले, बोले क्यों बोले? इसका कारण कहते हैं बोले जिस समय भगवान राम लक्ष्मण सीता इनकी वनवास हो गया वो निषाद राज्य में पहुंचे। आप लोगों ने सुना होगा निषाद राजा की कथा, जब निषाद राजा के साथ मिले इतने में निषाद ने प्रभु राम को बोले प्रभु ये मेरी मैया है, ये मेरी पिताजी है, ये मेरी भैया है। और निषाद को साथ में रामचंद्र ने मिताली अपना मित्र बनाए, देना कभी कभी आपका जो बहुत ज्यादा दोस्त हो ना आपकी आप देखना दोस्त को माँ को भी हम माँ बोलते हैं, बोलते कि नहीं। अभी राम और निषाद में मित्रता हो गई, अभी निषाद की जो माँ थी प्रभु राम रूप देख करके इतने खुश हो गई बोले बाप कितने सुंदर है, क्या मेरी कभी सौभाग्य होगा ये मेरी गोद में बैठ करके मेरी मैया बोलेगा, उनकी मन में ये भावना हुई। ठाकुर तो घटघटवासी सब जानते हैं बोले देखो ये रामावतार में तो ये इच्छा मैं पूरी कर ही नहीं सकता, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ लेकिन जब मैं कृष्ण बन करके गोकुल में आऊंगा फिर तो दुनिया को मैं मान लूंगा, इसलिए तुम गोकुल में तुम ये फल बेचने वाली बन करके आओ फिर तो तुम्हारी गोद में बैठ करके मैं मां बोलूंगा। इतने में कृष्ण जब आए मैया ने बोले लाला इतने सारे तो फल बेचने वाली ने दी, अभी वो जो फल बेचने वाली रखी गई देखा उसका टोकरी इतना भोजन हो गया बोले भैया टोकरी इतना भोजन कैसे हो गया, उसको उतार करके देखती है हीरे जवाहरातों से भरा हुआ वो टोकरी एकदम हीरे जवाहरातों से भरी हुई टोकरी। इतने में बोले प्रभु मैं तो आपसे कुछ मांगी नहीं, मैं तो यही चाहती हूँ दिन में एक बार तेरा दर्शन हो जाए, तो फिर मेरे ये हीरे जवाहरात की देकर वंचित कर रही है। फिर उसने टोकरी को लेकर जमुना को उड़ाल दी, फिर उसको बाद में फिर वो कहाँ चली गई इसको पता नहीं चला। देखो यहाँ ठाकुर जी ये सिखा देते हैं अगर ठाकुर जी को फल खिलाओगे ना ठाकुर जी क्या करेंगे तुम्हारी झोली भर देंगे, ठाकुर जी तुम्हारी झोली भर देंगे, इसलिए क्या करनी चाहिए घर में जो खाना बनाते हो भगवान की जरूर भोग लगाया करो, शाम को ठाकुर जी को भोग लगाओ हाँ फल भोग लगाओ, सवेरे ठाकुर जी को जैसे कोई लड्डू हो कोई मीठा हो हैं ठाकुर जी को जगा करके ठाकुर जी को कुछ खिलानी चाहिए, जैसे बच्चा है सवेरे बच्चा उठते ही उनको भूख लगता कि नहीं हैं, उसी तरह कृष्ण को अपना बेटे जैसे प्रियतम मान करके सेवा करनी चाहिए। दोपहर को रात भोग लगाओ जैसे रोटी सब्जी दाल खाते हो, और शाम को ठाकुर जी को थोड़ी सी फल भोग लगाओ, फिर रात को जो भोजन करते हो रोटी सब्जी दूध जो कुछ भोजन करते हो ठाकुर को सामने रखो तुलसी पत्ता दे दो ठाकुर जी को भोग लग जाएगा, फिर बच्चों को खिलाओ पति को खिलाओ फिर खुद खाओ, ठीक है ना। भगवान को भोग लगाओगे तो ठाकुर जी तुम्हारी हीरे जवाहरात से तुम्हारी झोली ठाकुर भर देंगे, ठाकुर जी ये सिखा देते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। हम लोग ने 7 दिन तक कथा सुनाई, कितना दिन तक कथा सुनाई 7 दिन तक कथा सुनाई। नियम है भैया कथा से कुछ लेकर के जानी चाहिए, कथा से कुछ लेकर के जानी चाहिए। बोले कथा से क्या लेंगे,
बोले भगवान की प्रेम लो, ठाकुर जी की भक्ति लो, बोले देंगे कि आप सारी गलती चीज को दे दो और जितने अच्छी चीजों कथा से लेकर के जाओ। हाँ देखो, भगवान की भक्ति करने के लिए हमें तीन चीज को अपनानी चाहिए। कितना चीज को अपनानी चाहिए? तीन चीज को। जैसे आप विदेश जाना चाहते हो, अमेरिका हो, लंदन हो, फ्रांस हो, आप बताओ आपके पास में क्या क्या होने पर आप विदेश जा सकते हो? बोले हाथ जोर से बोलो। पासपोर्ट, वीजा और पैसे। और क्या है? हाँ, पहले हमारे पास में पासपोर्ट होना चाहिए। पहले नंबर क्या? पासपोर्ट। उसके बाद में फिर वीजा होनी चाहिए, फिर उसके बाद में टिकट। देखना ये तीन चीज हो ना, ये साधारण इसी जगत में अगर कहीं विदेश जाना चाहते हो, आपके पास में तीन चीज जरूर हो, फिर तो आप इसी जगत में ही आप विदेश जा सकते हो। क्योंकि अगर हम ठाकुर जी के पास में जाना चाहते हैं, इसलिए हमारे पास में भी कितना चीज होनी चाहिए? तीन चीज होनी चाहिए। कहते भैया ये पासपोर्ट क्या है? कहते जो पासपोर्ट है ना, गले में ये तुलसी कंठी जरूर होनी चाहिए। तुलसी कंठी जरूर होनी चाहिए। देखो ये जो तुलसी हम धारण करते हैं ना, ये साधारण वस्तु नहीं है। आप लोग तो हिंदू हैं, हैं? आप देखना तुलसी को साथ में नारायण की शादी होती, अब देखे कि नहीं? सालग्राम तुलसी की शादी देखे हो? इसलिए ये तुलसी को माँ लक्ष्मी है। अगर गले में अगर तुलसी कंठी है, इसमें माँ लक्ष्मी की वास है। ये एक कारण है। दूसरा कारण है, जब आप हम कहते हैं ना वृंदावन में चलो, बोले क्यों? बोले वाक्य भी आए। बोले वृंदावन में क्यों वाक्य भी आए? बोले वृंदावन, वृंदा मतलब होता है तुलसी, वन मतलब होता है जहाँ तुलसी के बाद वही पर वाक्य भी आए। इसलिए अगर आपकी गले में तुलसी कंठी है ना, इसमें वाक्य भी आ रही है, तभी तुलसी कंठी में कौन कौन आ गई? लक्ष्मी नारायण आ गई। आपकी गले में लक्ष्मी नारायण आ गई। जैसे ठाकुर जी को कोई चीज भोग लगाओ, ठाकुर जी को कोई चीज भोग लगाओ, देखना जब तक तुलसी दल नहीं देते है ना ठाकुर जी, तब तक कोई चीज को ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह ये जो हमारा शरीर है, गोस्वामी जी कहते हैं खिति जल पाप गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीर। ऐसा खून पी और कुछ है ही नहीं शरीर में, ये अपवित्र है। आप देखना सवेरे उठो, मुंह से भी बदबू आ रही, नाक से भी बदबू, आंखों से, कानों से और नीचे से तो बदबू बदबू है। ये शरीर अपवित्र शरीर है, लेकिन ये अपवित्र शरीर में जब हम गले में तुलसी कंठी डाल देते हैं ना, ये शरीर जैसे तुलसी दल देते ही ठाकुर जी को भोग लग जाती है, अगर गले में तुलसी कंठी पहन लेंगे, ये शरीर ठाकुर जी के चरण में समर्पित हो जाती है। इसलिए गले में ये तुलसी कंठी जरूर धारण करनी चाहिए। इसलिए जब महाराज जब दूतों को कहते हैं, बोले देखो मेरे पास में ले आना, बोले भैया कुछ लक्षण बताओ, कौन भक्ति करता नहीं करता हमें पता कैसे चलेगा, कुछ तो लक्षण बता दो। देखो उन्होंने क्या बताया, बोले दो तरह के कुत्ते हैं। कितने तरह के कुत्ते हैं? बोलो कितने तरह के? कहते एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। देखना जो पालतू कुत्ते हैं उनकी गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता किसी है घर के कुत्ते हैं। और जो बिने पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं वो कौन है? फालतू। आप देखना पालतू को तो कोई मानता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। इसलिए बोले जिनकी गले में तुलसी कंठी है ना, वो ठाकुर जी की ये पालतू है, ठाकुर जी की ये पालतू है। इसलिए तुलसी कंठी की बड़ी महत्व है, बड़ी महत्व तुलसी कंठी की। इसलिए देखो आप लोग किसी मेडिसिन दुकान पे जाना, एक दवा उनको पूछना, आपके पास में तुलसी पावर, क्या नाम है? तुलसी पावर उनको पूछना, आपके पास में दवा है? देखना इतना बड़ा शीशी मिलेगा और उसमें इतना बड़ा पेपर होगा, आप लोग कल मेरे को पढ़ करके बताना उसमें क्या लिखा हुआ। जो बीमारी जो मेडिसिन ये तुलसी मिल है 200 तरह का, तक जो कैंसर है ये कैंसर तक भी ये तुलसी की, मैंने को माता जी को जानता हूँ जिनकी कैंसर हो गई, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कोई औषध नहीं, लेकिन किसी वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में गए, बोले तुम तुलसी पत्ता को पीस करके साथ जूस पिया करो और उससे उसके कैंसर सही हुए हैं। आप लोग रामदेव बाबा का पातंजलि में जाओ, देखना तुलसी पत्ता का जूस बिकता है, जिनका पेट साफ नहीं होता है, हजम शक्ति खराब हो गया, देखे तुम वहां पर। इसलिए 200 तरह का बीमारी का जो मेडिसिन
कि अगर रोज रोज आप दो दो तुलसी दो दो तुलसी पत्ता खाओ कभी भी आपको ये कैंसर हार्ट अटैक तो कभी नहीं होगा। इसलिए हम लोग जो भारतीय लोग है ना, जैसे खाने में ठाकुर जी का जो भोग लगाते हैं तुलसी पत्ता देकर भोग लगाते हैं, वो भी साइंस निकाल के लीजिए कितने बुरी बैक्टीरिया सब सब खत्म हो जाती है, है? और जहाँ पर तुलसी वृक्ष है, कल वो बच्चा बता रहे थे ना तुलसी वृक्ष क्या करता है, विशेष करके आप हमारे हिंदू लोग तुलसी वृक्ष को, पीपल वृक्ष को, नीम वृक्ष को पूजा करते हैं। क्यों कहते केवल ये तीन ऐसे वृक्ष है जो कि दिन में भी ऑक्सीजन देते हैं और रात में भी ऑक्सीजन देते हैं, केवल ये तीन वृक्ष है। और हमारे हिंदू लोग दूसरा चीज है बोले वीजा, बोले भैया वीजा क्या है, बोले जो हम तिलक लगाते हैं ना ये वीजा है, ये तिलक जो लगाते हैं ये वीजा है। देखो आप लोग तो हिंदू है, जैसे कोई अच्छे बिजनेस में जा रहे कोई बिजनेस के लिए, आप देखना हमारे भारतीय संस्कृति उसको तिलक लगा कर भेजते कि नहीं भैया तिलक लगाते, क्यों ये जो तिलक ये विजय का लक्षण है। जैसे कोई आप देखे होंगे रामायण महाभारत देखे होंगे जब युद्ध करने के लिए जाते उसको तिलक लगाते विजय का लक्षण है, तुम्हारी विजय है। आप देखना आपका घर में कोई ब्राह्मण कोई किस चीज की पूजा करना करने आएगा, देखना जब तक ये आपको तिलक नहीं लगाएगा ना वो पूजा नहीं करेगा आपकी, पहले तिलक लगा करके फिर आपकी ये पूजा करवाता है। इसलिए जो तिलक है इसकी बड़ी महिमा ये तिलक की, हम लोग जो तिलक लगाते हैं ना कहते ये गोपियों की जन्म देते हैं, वो कहाँ से आ जाए ये द्वारका से आता है, जहाँ तक ये चीज नहीं मिलती ये द्वारका से आता है, ये गोपियों की चरण धूलि है। इसलिए आप भगवान की कहीं तस्वीर देखो, यही है कृष्ण का कहीं तस्वीर है, आप देखो भगवान कृष्ण का देखो बाकी भी ऐसे वो तिलक लगाए, आप भगवान के राम का कहीं तस्वीर देखोगे मूर्ति देखोगे देखो तिलक लगाए, आप हनुमान जी को कहीं देखोगे देखना उसमें तिलक लगाए हुआ देखना, आप गणेश जी को कहीं देखो वो जरूर वो तिलक लगाए हुए दिखेंगे। इसलिए तिलक की बड़ी महिमा है। जो व्यक्ति तिलक दर्शन करते हैं उसको ठाकुर दर्शन करने का फल मिलता है, इसलिए आप लोग जरूर ये तिलक लगाए करो। कोई कहते हैं ना अरे भक्ति करना तो दुनिया को, कोई कहते हैं ना भक्ति करता अंदर में करना ये दुनिया को क्यों दिखा दो तिलो कंठी माला धारण कर लो। हाँ देखो ध्यान देख रहे सुनो, ये हमारे गुरु जी कहते थे, देखो जैसे यहाँ पर कुछ माताएं बैठी है, कुछ माताएं यहाँ पर बैठी है, हमको कैसे पता चलता भाई ये सधवा ये विधवा है, कुछ चिन्ह है ना जैसे मंगल सूत्र पहनते हो सिंदूर लगाते हो मांग भरती हो भरते कि नहीं, जिससे पता चलता है ये शंखा पहनती है, जिससे पता चलता है ये सधवा है। देखो ये जगत का पति के लिए जब हम इतने श्रृंगार धारण करते हैं ये जगत का पति के लिए, भाई पति बने का शादी से पहले कोई मतलब नहीं था, हैं शादी से पहले कोई मतलब नहीं थी, अगर बीच में इधर उधर कुछ हो गया तो खत्म, और एक दिन तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। जब इसके लिए हम इतने धारण कर लेते हैं पर भगवान के लिए कुछ धारण नहीं करनी चाहिए, जो जन्म जन्मांतर का जो पति है तब उनके लिए कुछ धारण करनी चाहिए कि नहीं, अब बताओ चाहिए कि नहीं, इसलिए उन्हीं के लिए भी कुछ धारण करनी चाहिए। इसलिए तिलक की ये बड़ी महत्व ये तिलक, इसलिए हम लोग कोशिश करना तिलक धारण करने के लिए। और जो तीसरी चीज है कहते ये टिकट क्या है, ये टिकट होनी चाहिए, कहते टिकट क्या है, जो टिकट है ये भगवान की नाम ठाकुर जी की ये नाम ये टिकट है। इसलिए देखना अंतिम समय में जब शरीर छूटता है यही बोलते बोलते ले जाते हैं, राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है सत्य बोलो व्यक्ति है और सब कोई बात झूठा है यही बोलते बोलते ले जाते हैं ना। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने, यही बोलते ना पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमोल बदी मरे सदगुरु कृपा करे अपनायो पायो जिन्हें राम रतन धन पायो। इसलिए क्या करनी चाहिए सवेरे उठ करके थोड़े समय भगवान की नाम को जप करो, एक बार हाथ उठा कर बोलो
बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 मंत्र करो बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 जैसे झूठ तो नहीं बोलनी चाहिए तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी देखना संसार से चलाने के लिए ना तो कभी बोलना पड़ता है। जैसे पति पत्नी हो है, जैसे कभी थोड़ी पैसा अपने बच्चों के लिए छुपा करके रख दिए, लेकिन पति को बोलती नहीं, लेकिन किसी लिए छुपा कर, बच्चों के लिए छुपा कर रखती है। अभी तो वहाँ पर थोड़ी सी झूठ तो बोलना पड़ेगा संसार के लिए, उसके लिए ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, ठाकुर जी बड़े कृपालु हैं, इसके लिए कोई चिंता मत करें। घर गृह से चलाने के लिए मुझे बोलना पड़ता है, पहन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो देखो एक छोटी स्टोरी सुनो, ध्यान से देखो। देखो एक समय एक बहुत एक व्यक्ति, कोई दरिद्र व्यक्ति, वो दर दर भटक रहा था, खाने के लिए नहीं, पैसा उसको पहनने के लिए नहीं, बड़ा दुखी होकर भटक रहा था। एक बहुत बड़ा कोई एक बिजनेसमैन था जिसका चावल की बिजनेस है, उसने वो गरीब व्यक्ति को देखा, बोले इधर आ भैया, बोले तू ये दर दर क्यों भटक रहे हो, बोले खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं, अगर सोने में भी हाथ लगाता हूँ कभी मिट्टी बन जाती है। वो बिजनेसमैन ने बताया, देख भैया मेरा बहुत बड़ा चावल का बिजनेस है, आज से मैं तेरे को अपना पार्टनर बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? वो तो सुन करके जैसे आकाश से गिरा, बोले क्या सवेरे कोई मिलेगी? नहीं मिलेगी यार, मतलब क्या तुम क्यों मेरे साथ में हंसी दिलाई कर रहे हो? बोले नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, आज से तेरे मैं अपना पार्टनर बना दूंगा। क्या बोले? मैं अपना सारे बिजनेस में तेरे को दे रहा हूँ, लेकिन उसमें 90% तेरा है और 10% मेरा है। इसको तो सुन करके बड़ा उसको आश्चर्य लगा, बोले क्या आप सही बता रहे हैं? बोले मैं सही बता रहा हूँ, झूठ नहीं बता रहा हूँ। बोले अगर अपना बिजनेस दोगे ना, दिन रात में मेहनत करके पैसा कमाऊंगा और आपको महीना पूरी होने से पहले 10% दिया हुआ। बोले ले आज से ये बिजनेस क्यों चला? देखो ध्यान देखो सुनो, बहुत अच्छी चीज है। कोई कहते ना भक्ति भक्ति करने की क्या जरूरत है, क्यों भक्ति करनी चाहिए, कारण क्या है? अभी बोले 10% मेरे को देना, अभी एक महीना हो गया लेकिन वो व्यक्ति 10% देने के लिए आया। बोले भैया ये क्या हो गया, 10% देने के लिए नहीं आया? उसने सोचा होता ऐसा होता होगा, शायद बिजनेस में बिजी हो गया, नहीं दे पाया, कोई बात नहीं बिजनेस को अच्छे से करें। लेकिन अभी 2 महीना हो गया तभी वो व्यक्ति आया। भैया क्या हो गया, 2 महीना हो गया बोल रहा था, महीना अभी 3 महीना हो गया तभी देने के लिए नहीं आया। लेकिन जब 6 महीना हो गया ना, जब आया नहीं, सोचा भैया उसका राम नाम सत्य तो नहीं हो गया, उसको जा करके देखा था करता है क्या। वो आ करके देखा, दिन रात मेहनत करके खूब पैसा कमाया, आलीशान उसने मकान बनाया, एक बढ़िया 3-2 गुना रात 4 गुना बढ़ रहा है। उसने आकर के बोले भैया मैंने तेरे को कहा 10% देने के लिए, इसलिए तू मेरे को 10% देने के लिए आया ही नहीं? क्या बात है, क्या बात है, तू 10% देने के लिए क्यों नहीं आया? ये सारे बिजनेस मैंने तुमको दे दिया। वो कहता है किस चीज के 10% है, किस चीज के 10% है? दिन रात मेहनत करके मैं कमाऊंगा, धमाऊंगा, सारे दिन काम करूंगा मैं और तुमको बैठे बैठे कर 10% दूंगा। अगर जो व्यक्ति ऐसे बोलता है आप उसको क्या बोलोगे? आप लोग बताओ, आप लोग बोलो जोर से, बोलो विश्वासघात, अरे जोर से बोलो ना, धोखा, धोखेबाज, बेईमान, यही बोलोगे ना। तो ये चीज को समझो, ये बताओ ये दुनिया किसकी है, बोलो ये दुनिया किसकी है।
भगवान कृपा करके जो मानव शरीर हमें दिया है, किसकी कृपा से ये मानव शरीर मिला है? ये जो दुकान मकान ये किसकी है? हम जो इतना लिखाई पढ़ाई की किसकी कृपा से की है? बोलो किसकी कृपा से की है? भगवान। जो ये बाल बच्चे जो मिला है किसकी कृपा से मिली है? उसकी कृपा से मिली है ना। आप ये बताओ उसको दस परसेंट देनी चाहिए कि नहीं? पैसा नहीं, वो ठाकुर पैसा नहीं मांगते हैं उसको, ठाकुर जी पैसा नहीं मांग रहे हैं, भगवान समय मांग रहे हैं। इसलिए ये सूरदास का पद है, ध्यान देने से आप हिंदी समझते हो ना, ये सूरदास का पद है। सूरदास जी कहते हैं, जिनी तनु देही ताही बिसराई, कैसे नमक हरामी मौसम कोन कुटिल खलंगामी। सूरदास का पद बोले जिनी तनु देही, जिसने तुम्हें कृपा करके शरीर दिया है, बोले ताही बिसराई, तुम उनको ही भूल कर बैठ गया। बोले कैसे नमक हरामी मौसम कोन कुटिल खलंगामी, ये सूरदास की पद। इसलिए जैसे दिन रात मिल करके कितना घंटा होता है, कितना घंटा होता है? 24। कितना घंटा जोड़ से बोलो? 26 घंटा। अगर उसमें 10% अगर समय दोगे, 10% दोगे, बताओ 26 घंटा के 10% कितना समय होता है? बोलो कौन बोलेगा? बोलो ढाई घंटा। कितना होता है? कौन बोल रहा है भैया? अच्छी बात है, उसमें 2 घंटा 40 मिनट होता है। इसलिए भगवान कहते भैया तेरे को मैंने सब कुछ दिया है, तेरे को मैंने सब कुछ दिया, लेकिन कम से कम थोड़ी समय तो मेरे को दिया करो। सवेरे उठ करके थोड़ी गीता पढ़ो, थोड़ी भगवान के नाम जप करो, ठाकुर का सेवा पूजा तो थोड़ी सी करो, क्योंकि अंतिम समय तो यही आएगा ना, और तो कोई साथ में जाने वाले नहीं। देखो और एक चीज को ध्यान दे रहे, हम संसार में जो कुछ करते हैं ना, अपना लिए नहीं दूसरे के लिए करते हैं। पति को कैसे खुश रखें, पत्नी को कैसे खुश रखें, बच्चे को कैसे खुश रखें, पिता माता को कैसे खुश रखें, सास ससुर को कैसे खुश रखें, इसलिए करते कि नहीं? आप ये बताओ दिल से, अभी तक तुम्हारे ऊपर कोई खुश है? आप बताओ तुम्हारे ऊपर कोई भी संसार का व्यक्ति तुम्हारे ऊपर खुश है? देखना पीछे तुम्हारी चुगली होती, सब दुनिया चुगली करता है तुम्हारे। भैया जब तुम्हारे ऊपर कोई खुश नहीं होते हैं, जब तुम्हारे पीछे इतने करते हुए भी तुम्हारे जब कोई चुगली करते हैं, जब उसी के लिए हम मर मिटा रहे हैं, लेकिन सुदामा ने ठाकुर जी के लिए किया क्या? 2 मिनट चिड़वा दिया ठाकुर जी, त्रिभुवन का राज्य दे दिया था, भगवान का अंगुल कट गई, द्रौपदी थोड़ी साड़ी फाड़ करके उन्होंने बैंडेज कर दी। ठाकुर जी सोच रहे हैं कब मौका मिले इसका ऋणी कम न चुका, इसमें ऋणी कम चुकाओ हरी सभा में। जब उसकी भरी सभा में लाज जा रही थी, देखो और एक चीज समझो, भरी सभा में द्रौपदी की जब लाज जा रही थी, द्रौपदी पहले बहुत अभिमानी करती थी, डीग हाँकती थी, जानते हो मेरे 5-5 पति, सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम, सर्वश्रेष्ठ भालाधारी कौन है? श्री युधिष्ठिर महाराज, नकुल सहदेव तलवार युद्ध में सर्वश्रेष्ठ। लेकिन जब उसकी वस्त्र हरण हो रही थी ना, वो आंख फार फार कर देख रही थी, कोई तो कुछ बोले, लेकिन सबके सब पति सर नीचा करके बैठे हुए थे, सबके सब सर नीचा करके बैठे हुए थे, और सोच रहे थे यहाँ पर सारे गुरु वर्ग है, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य, भैया ये तो कुछ ना कुछ बोले, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा, सबके सब चुप बैठे हुए थे। ये द्रौपदी अपना पुत्र वधु उत्तरा को कह रहे हैं, बोले उत्तरा ये मेरी आजमाया हुआ चीज, ये मेरे आजमाया हुआ ये बात है, अगर किसकी शरण में जाना द्रौपदी उत्तरा करो वाक्य बिहार की शरण, वो जो दिख रहे ना दुनिया में तुम्हारी काम का समय में कोई भी आने वाले नहीं, पहले मैं भी बड़ी ठीक ध्यान की थी 5-5 पति, देखना उसी तरह अंतिम समय में हमारे काम में कौन आने वाले हैं। जब उसने दोनों भुजा उठा करके हे गोविंद राख शरण अप्त जीवन हारी, जब उन्हें दोनों भुजाओं को उठा कर बुलाए, इतने में भगवान अपना चुंदरी को उन्होंने द्रौपदी को ऊपर फेंक दिया, 10,000 हाथी की ताकत खत्म हो गई, लेकिन 10 बजे साड़ी खत्म नहीं हुई। दुनिया देख रहे थे साड़ी भी की कोई नारी ना, नारी भी की कोई साड़ी, ठीक है ना। इसलिए क्या करनी चाहिए, समय दो ठाकुर के लिए, समय दो
इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे सब काम छोड़कर भजन करो, हजार काम छोड़कर के अपना बिजनेस करो, लेकिन करोड़ों काम छोड़कर भजन करो, क्योंकि अंतिम समय में लोग यही बोलते बोलते ले जाएंगे राम नाम सत्य है और गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य सत्य का झूठा बोलेंगे, कोई साथ में जाने वाले नहीं, पत्री जाएगी रो रोकर दरवाजा तक उसका आगे नहीं जाएगी, परिवार जाएगी तो शमशान तक उसका आगे कोई नहीं जाएगा, जाएगा जितने करो कि भक्ति करोगे भजन करोगे, इसलिए क्या करो सगर उठ करके कम से कम 10% दो, कितना परसेंट दो 10% दो, देखो आप देख लो आपको पिताजी की माता जी की माता जी को देख लो सवेरे क्या करते थे, सवेरे उठ करके जितने अपने भैया को देख लो सवेरे उठ करके स्नान करके ठाकुर को पहले आरती करते थे, गोपाल जी का स्नान कराते, गोपाल जी को भोग लगाते थे, रामायण पढ़ते थे, कोई गीता पढ़ती थी, कोई ऐसे करते थे, तुम देख लो अपना परिवार में, इसलिए सवेरे उठकर सब यही काम किया करते थे सारे को सारे, उनको पता था यही केवल साथ में जाने वाले, इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है क्या करना है सवेरे उठ करके थोड़ी समय श्री ठाकुर को दो, इसलिए अभी भी हम लोग 5 मिनट ठाकुर को देंगे, कितना मिनट देंगे अभी 5 मिनट बैठ करके हम एक माला जप करेंगे, उसको बाद में राधा रानी की जन्मोत्सव होगा पर प्रसाद ले लेगा, ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री लाल माता जी को देखो, ये माला आप लोग वापस दे देना, लेना नहीं है, आप लोग मेरे तरफ में देख लो, इधर देख लो कैसे हरिनाम कर, पहले मैंने बताया हम चाहते 7 दिन में ना इतना ट्रेनिंग ले लो, 7 दिन में इतना ट्रेनिंग ले लो, जैसे मैं जाने का बाद में भी आप भगवान की भजन करते रहेगा, और अब मेरे तरफ में देख लो कैसे माला कैसे जप कर लो, देख लो जैसे ये माला है ये जो अंगुल को इसमें नहीं टच कराते क्योंकि ये अंगुल गंदा, हम कहते हैं ना हम कहते तेरे को मैं देख लूंगा, सबसे पहले ये अंगुल उठता है सबसे पहले, इसलिए ये बीच वाले अंगुल को ऊपर रखना, शांति रखो, ये बीच वाले अंगुल को ऊपर रखना, रख करके जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल करके उसको एक मोती हम सरकाते हैं, उसमें एक मोती सरकाते हैं और 2 बार बोल करके 2 मोती सरकाते हैं, हरे कृष्णा, हाँ इधर देखो सब कैसे, हाँ मेरे तरफ को देखो, मैंने पहले आपको सुनाया था जब श्री चैतन्य महाप्रभु को भक्तों ने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज हमारे घर में आपका भोजन है, महाप्रभु ने बोले ध्यान देकर सुनो, महाप्रभु बोले देखो मैं सबका घर में भोजन नहीं करता, बोले किसको घर में भोजन करते हो, बोले जो लखपति बनेगा उसको घर में भोजन करता हूँ, और आज से 5.5 साल पहले लखपति मतलब जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मूल्य है, भक्त लोग तो दुखी हो गए, बोले प्रभु हमारे घर में तो 100 रुपया 100 स्वर्ण मूल्य है, बोले प्रभु फिर हमारे घर में क्या भोजन ही नहीं करना, क्योंकि हम लोग लखपति बन नहीं सकते, फिर भगवान सबको बैठा करके समझाए, बोले जानते हो असली लखपति को, बोले कौन है, बोले रोजाना जो 1 लाख ठाकुर जी के नाम जप करते हैं,
वही असली लखपति है। इसलिए मीरा कहते हैं, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आप बाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। और जिन जिन ने यह मोती लूटे बोले उसको माला माल हुए, लेकिन माया के जो बने पुजारी आखिर वो कांगाल हुए। इसलिए असली जो धन है भगवान की नाम धन है, और यही धन ही आपको बढ़ते रहेंगे। इसलिए महाप्रभु बोले देख लो और एक बार देख लो लखपति कैसे बनोगे, जैसे उसमें जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब एक बार हरि नाम किया तो 16 बार हो गया, एक बार नाम करके एक मोती सरकार थे, दो बार दो, इसमें 108 मोती है, 108 मोती। फिर जब यहाँ खत्म हो जाए फिर उसको पार नहीं करके फिर घुमाना, घुमा करके फिर दूसरे तरफ से करना। अगर ऐसे 16 माला कर लिया ना, वो हिसाब से हो जाता है 25,000। कहते हैं आप 1,00,000 माला नहीं किया, बोले क्या किया, बोले आज आपका नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गई। बोले भैया ब्याज कितने मिलेगी, कितना ब्याज मिलेगी? बीरा कहती है दिन दिन बरत सबायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आज अगर 1,00,000 नाम किया ना, दिन दिन बरत सवाय, कल आपको 1,25,000 और 4 दिन में 2,00,000, 4 दिन में 2,00,000 हो गया। भगवान स्वयं कहते हैं, और यही धन ही अंतिम समय में हमारी काम में यही धन आएगी। देखो नहीं कुछ पैसा कमा करके बच्चों के लिए रख जाए ना, हमारे गुरु जी कहते थे बच्चे के लिए ज्यादा पैसा मत कमा कर रख। बोले क्यों? बोले वो हो ना हार होगा तो कमा ही देगा। अगर नालायकी बनाना, जितने पैसा तुम कमा करके जा रहे हो शराब जुआ सिगरेट फूक करके सब धन हो गया, क्योंकि वो तो समझेगा नहीं ना बेटा कितने कष्ट करके पैसा कमाए, वो तो उसको लगा जैसे पैसा अपने आप मिल गया। इसकी बच्चे ज्यादा बिगड़ते हैं, जिसका पिता जितने पैसा कमा करके गया वो उतना ही बिगड़ता हुआ मिलता है। इसलिए भैया धन जमाओ, तो अगर ये धन को जमा करके जाओ जो कि इसी जीवन में भी काम आएगा और अगले जीवन में ये पूरा के पूरा तुम्हारी यही काम में आने वाली, और कोई भी जगत का नहीं जाएगा, ठीक है ना। इसलिए सवेरे उठकर हरिनाम करना। आप लोग सब मेरे साथ में एक साथ में बोलो, मेरे साथ में ठीक है, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबके सब बोलो, क्योंकि जो हरिनाम करेगा ना उसका पाप उड़ जाएगा। बोले कहाँ बैठेगा जो हरिनाम नहीं करेगा, उसका सर पर बैठेगा। इसलिए सबके सब बोलते रहो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण भागवत में गिरिराज पूजा की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है।
इसलिए गिरिराज का एक नाम है सर्व अभिन्न प्रदाता, मतलब है आप गिरिराज से जो मांगो ना, स्त्री धन दौलत सुख शांति, ये गिरिराज सब कुछ इच्छा पूरी कर देते श्री गिरिराज गोवर्धन। आप लोग कोई गिरिराज गोवर्धन गए हो? कौन कौन गिरिराज गए हैं देखना। अब गिरिराज में देखे होंगे जो गिरिराज जो शिला है ना, एक शिला के ऊपर शिला रखा हुआ देखे होंगे। इसका मतलब क्या है, जिसको जितने मंजिली मकान चाहिए के तो जितने शिला रखोगे ना ठाकुर जी उतना मंजिली मकान दे देते। देखो आप एक सच घटना बता रहा है, अभी हम बड़ों से कथा करके आए। एक भक्तों घर में हम कथा करने के लिए गए थे, सत्संग करने के लिए गए थे। जब गए थे ना हमने देखा उसको एक मंजिली छोटी सी मकान थी। जब हमने दूसरे साल में उनके घर में गए देखा उसको बड़ी तीन मंजिली मकान और बड़े आलीशान मकान बनाए। मैंने कहा भैया एक साल में बात मत करो, कहते एक साल में तुमने ये तीन मंजिली मकान कैसे बना दिया। देखो किसी ने क्या कहा, बोले गुरु जी में गया था गोवर्धन परिक्रमा लगाई और तीन गिरिराज शिला के ऊपर में तीन शिला रख दिया, पता नहीं किधर से बिजनेस हमारी इतने कैसे बढ़ गया और एक साल में मैंने इतने पैसा कमाया, मैंने एक साल में तीन मंजिली मकान बना दिया। ये सही घटना है। इसलिए जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते है ना ठाकुर जी उसको पीछे 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 घूमते हैं, ये मेरे से क्या मांगेगा। और भगवान का वरदान है ये गिरिराज जी की जो अन्नकूट में एक अन्न की दाना कोई लगा दे, एक अन्न की दाना। ठाकुर जी कहते हैं किसी जीवन में तुम्हारे घर में अन्न वस्त्र की अभाव नहीं पड़ेगी, माँ लक्ष्मी घर में भरपूर रहेगी। इसलिए कल हम लोग यहाँ अन्नकूट गिरिराज पूजा करवाएंगे, आप लोग अपना घर से कुछ कुछ बना कर लाना, बगैर प्याज लहसुन के शुद्ध रूप में जैसे हलवा पूरी कढ़ी साई पनीर जो बढ़िया बनाते हो, नहीं तो कोई फल हो नहीं तो कोई मिठाई हो, खाली हाथ से नहीं आना, कुछ ना कुछ अपना घर से शुद्ध रूप में बना करके लाना। गिरिराज की भोग लगेगा वो प्रसाद, आप लोगों को मिलेगा वो प्रसाद, ठीक है। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज बाबा की जय। देखो हमारे प्रभु जी हाँ हरे कृष्णा। देखो बाहर में हमारे एक छोटा बच्चा वहां पर कुछ ग्रंथ बेच रहा है, बड़ी छोटी छोटी कोई ज्यादा पैसा नहीं है, 10 रुपया 15 20 रुपया के ऐसे ऐसे ग्रंथ है। हो सके तो आप एक ग्रंथ लो, हम तो चले जाएंगे पर आपको संग कहाँ से मिलेगा, ये ग्रंथ से ही हमारी संग मिलेगी। इसलिए ग्रंथ की बड़ी महत्व है, इसी ग्रंथ पढ़ करके कितने लोग भगवान की भक्ति में लगे कितने लोग। इसलिए कोशिश करना रोज न्यूज पेपर आता है न्यूज दूसरे तो इसको फेंक देते हैं, लेकिन जो ग्रंथ ले जाओ ना जब तक तुम्हारी जिंदगी रहेगी तब तक ये ग्रंथ तुम्हारी घर में रहेगी, तब तक ये ग्रंथ तुम्हारी घर में रहेंगे। अगर किसी बच्चों का हाथ में अगर ग्रंथ पड़ गया उसका जीवन पूरा परिवर्तन हो जाएगा, ग्रंथ में इतनी सुंदर सुंदर कथा लिखी हुई। इसलिए आप लोग कोशिश करना एक एक ग्रंथ लेकर के साथ में जाने के लिए, ठीक है। इसलिए प्रभु जी कुछ बोले, अब ध्यान देकर सुनो। राधा की तैयारी, राधा की तैयारी करके बैठो, ठीक तो भी प्रार्थना। देखिए हमारे समाज में आजकल गुरुओं की बाढ़ सी आ गई है। हमारे गजवासी कहते हैं गुरु खड़े बाजार में हमसे दीक्षा ले, तुम नरक पर हो या स्वर्ग पर हो पर हमें धोती कुर्ता दे। तो भैया ऐसे गुरुओं से बचकर भी रहना है, जो गुरु अपना कल्याण नहीं कर सकते वो शिष्य का। हमारे महाराज श्री आप लोगों से निवेदन करते हैं, इसमें महाराज श्री का कोई स्वार्थ नहीं है। कहते हैं वृक्ष कहो फल न बखे, नदी न संचय, नीर परमार्थ के कारण है साधु धरा शरीर। साधु का जो सही होता है वो केवल परमार्थ के लिए ही होता है। आप यदि भगवान नाम की कितनी महिमा है इसके बारे में एक छोटी सी कथा बताऊंगा। एक बार श्री हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा में लगे हुए हैं, तो राम जी ने हनुमान जी से कहा हनुमान एक बात बताओ भैया, माइक वाले हो थोड़ा इको कम कर दो, माइक वाले हो तो थोड़ा इको कम कर दे। यहाँ पे संसार में ब्रह्मांड में हमसे ज्यादा महिमा किसी की है?
देखो हनुमान जी ऐसे सेवक हैं जो कभी स्वामी की बात पर, सेवक का धर्म होता है स्वामी की बात पर यदि विरोध कर दिया तो वहां पर सारी सेवा धराम जैसे आराम हो जाती है। लेकिन यह बात ऐसी है कि भगवान को शायद भूल लग सकती थी, आपसे ज्यादा मेहमान किसकी हो सकती है। और नहीं नहीं राम जी का हनुमान तुम संकोच कर रहे हो बताओ। बोले प्रभु देखिए यदि आप विशेष ज्यादा आदेश ही कर रहे हैं, आपके ज्यादा महिमा किसी की हो नहीं सकती है, लेकिन आपसे भी ज्यादा महिमा है तो वो है आपके नाम की। अब साधारणतः आप पूछेंगे हम जो भी दान पुण्य इत्यादि करते हैं धार्मिक अनुष्ठान, कहीं धर्मशाला बनवाना, कहीं कुछ करना, कहीं किसी की शादी करवाना, ये सब दान पुण्य करने से हमको स्वर्ग को मिल जाएगा, लेकिन भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होगी। स्वर्ग का मतलब क्या होता है कि आपने जैसे 5 स्टार होटल में कब तक रह सकते हो, जब तक कि आपके पास में बैलेंस है। जैसे आपका बैलेंस खत्म, आपको सारी सुविधाएं वहां से खत्म हो जाएंगी। अगर आप नहीं जाओगे तो आपको सिक्योरिटी बुला करके धक्के मार करके बाहर करवा दिया जाएगा। तो ऐसे ही हम जो भी पुण्य कर्म करते हैं तो उसका फल क्या है, हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अच्छे कर्म करेंगे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, बुरे कर्म करेंगे तो नरक की प्राप्ति होगी। लेकिन गीता में भगवान कहते हैं छीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, जैसे हमारे पुण्य छीन होते हैं तो हमको वहां से धक्के मार करके स्वर्ग से बाहर निकल गया था। देखिए बंधन दोनों में ही है, चाहे आप उस सोने की सांकल से बने हो, चाहे आप लोहे की सांकल से बने हो। यानी आपने स्वर्ग से स्वर्ग को प्राप्त कर लिया अच्छे कर्म करके तो मान लो सोने की सांकल से बंधे हो, लेकिन बुरे कर्म किए तो आपने मान लो कि लोहे की सांकल से बंध के नरक में पड़े। लेकिन भगवान नाम ऐसा तीर्थ है, ऐसा धाम है, ऐसा तीर्थ है, इसका प्रभाव ऐसा है कि ये व्यक्ति के पुण्य और पापों को दोनों को नष्ट कर देता है। जो हमारे पाप है उनको तो नष्ट करता ही है, लेकिन जो हमारे पुण्य, पुण्य क्या है जो हमें बंधन में डालते हैं स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं, उन पुण्यों को भी नष्ट कर देता है। तो ऐसा भगवान का नाम है जो हमको साक्षात भगवान से मिलवा देता है। तो हमारे गुरुवर यहाँ पर आए हुए हैं, आपसे केवल एक ही चीज मांग देना, किसी आपसे आज 6-5 दिन हो गई कथा, आपसे कभी एक पैसे की कोई डिमांड नहीं की होगी, आपसे कोई वस्तु की डिमांड नहीं की होगी, केवल आप लोगों से एक ही चीज मांगते हैं, आप ये तीन प्रकार में भगवान की भक्ति में लग जाइए। और भगवान महाराज ने जैसा आपको बताया कि सुबह आपके मन में जो भी शंकाएं होती हैं, आज एक बहन जी आई तो बोली मेरी सासू माँ जो है ऐसी है कि वो जो है गले में तुलसी का माला नहीं पहनने देती। हमने कहा बहन जी उनसे ये पूछिए कि उनको दिक्कत क्या है, आप मांगे तुलसी के माला पहनती है तो उनको दिक्कत क्या है। बोले ग्रस्ती है, अपवित्र हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो आप एक बात बताइए, तुलसी की माला यदि हमने गले में धारण कर रखी है, मृत्यु का समय जब आता है व्यक्ति का, तो शायद ही जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है पवित्र रहता है, जो ज्यादातर अपवित्र अवस्था में जाते हैं। लेकिन जिनके गले में तुलसी की माला है वो कभी नरक को नहीं जाएंगे। तो पहले नंबर तो ये सारी जो भ्रांतियां उनको निकालिए, और ऐसे गुरुओं से बचिए जो कि मैंने अभी पहले बोला था कि गुरु खड़े बाजार में हमसे दीक्षा दे, चाहे तुम नरक पर हो या स्वर्ग। तो ऐसे गुरुओं से बचकर रहना है। हमारे महाराज श्री का आपसे एक ही आग्रह है, एक ही निवेदन है, आप ये प्रकार भगवान की भक्ति कीजिए। तो जिन्होंने गुरु नहीं बनाए, अब देखिए गुरु बनाना क्यों जरूरी है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु बिन भगवत कोई जो बिरंच शंकर सम होई। हम अपने स्तर से ब्रह्मा जी के समान, शंकर जी के समान हो जाए तो भी इस भवसागर से जो आवागमन का, जो हमारा जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, तो भी नहीं कर सकते। इसलिए जिन्होंने गुरु नहीं बनाए तो वो महाराज श्री से भी 2 दिन की कथा और बाकी 2 दिन रहेंगे आपको, 3रे दिन फिर शायद नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो जिन्होंने गुरु नहीं बनाए वो देर ना करें, वो आकर के महाराज जी से नाम दीक्षा लें। आपसे कोई शुल्क नहीं लेंगे, आपसे कोई कोई ऐसी कोई वस्तु नहीं लेंगे, बस आपसे केवल एक ही चीज है, आप कैसे भी करके भगवान की भक्ति से जुड़ जाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आप जाओ, आप दोनों जा करके विश्वानंद महाराज कृतिका सुंदर को बन करके बच्ची लेकर साथ में, ठीक है? यहाँ फूल है, सुत्र हाथ में फूल दे दो, अभी राधा रानी आएगी सबके सब तुलसी, राधा रानी को फूल बहुत सारा करना, माला लेकर फूल है।
तुलसी श्रीमती राधा रानी की जय। तुलसी ब्रजमान महाराज की जय। उधर उधर आप जा, अब जाओ करते जाओ, सर पर कपड़ा रखते। अब जो राधा रानी बनी है ना, उनको राधा रानी थोड़ी जिम्मेदारी, वो को गोद में लेकर जाना। जाओ आपके पति को बोलो ब्रजमान महाराज बनो, कल जैसे आए थे ना जसोदा और बन करके। ठीक है, सबको हाथ में फटाफट दे दो, फटाफट दो। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। बोले श्री सवार महाराज की जय। जय जय श्री। सबके सब बैठ जाओ, सबके सब। हरे कृष्णा। और सबके सब बैठ जाओ, सबके सब। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 संत लोग कहते हैं, बोले भैया भागवत में तो राधा जी का नाम छोड़ रहा कुछ है ही नहीं, ये भागवत ही राधा ही राधा मई ये भागवत है, हैं? क्योंकि ये ग्रंथ का नाम है ये श्रीमद् भागवत। क्या नाम है? श्रीमद् भागवत। ये श्रीमद् का मतलब क्या है? श्री मतलब होता है लक्ष्मी, और मूल लक्ष्मी कौन है? श्री राधा रानी। मद मतलब होता है प्रेम, अतः ये भागवत नहीं, ये राधा रानी का प्रेम है। हम कथा नहीं सुन रहे हैं, ये राधा रानी जो कृष्ण प्रेम को जो लूटा रही ना, और कृष्ण प्रेम को हम लूट रहे हैं, हम लोग ये भागवत कथा नहीं सुन रहे हैं। अभी प्रश्न है, अरे भागवत में राधा जी का नाम स्पष्ट रूप में क्यों नहीं दिया? देखो इसका कारण सुनो। पहला कारण बताए, जब ये सुखदेव गोस्वामी एक बार से राधा रानी का नाम लेते थे, अब राधा शब्द को उल्टा दो, बताओ तो क्या होगा? धारा। बल्कि ये राधा नहीं, ये कृष्ण प्रेम रस की धारा श्री राधा रानी हैं। जैसे राधा रानी ये प्रेममयी है, भक्तिमयी रसमयी श्री राधा रानी। इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी एक बार केवल श्री राधा रानी का नाम लेते थे, वो 6 महीना बेहोश हो जाते थे। बोले भैया अगर 6 महीना बेहोश हो गया, मेरे पास में कुल 7 दिन हैं, ये 7 दिन को अंदर में भागवत सुनाना, फिर ये कथा कैसे सुनाऊंगा? इसलिए उन्होंने राधा जी का नाम ग्रहण नहीं किया है। दूसरा कारण है, राधा रानी को सुखदेव गोस्वामी प्रश्न किए, बोले हे स्वामिनी हे राधे, आपका नाम को भागवत में किस रूप में ग्रहण करें? राधा जी का आदेश है, बोले देखो मेरे नाम को स्पष्ट रूप में कहीं मेरे नाम नहीं लेना, अगर मेरे नाम लो ना छुपा करके लो, हैं? छुपा करके नाम लो, स्पष्ट रूप में नहीं लेना। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट रूप में नहीं लिए, लेकिन कल हम लोग सुनेंगे, अगर कल अगर जल्दी जल्दी अगर आओगे तो सुनोगे कहां कहां पर भागवत में राधा रानी किस रूप में सुखदेव गोस्वामी दिए, और पूरा भागवत में कैसे राधा 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 राधा, कल हम सुनेंगे इस चीज को, हैं? इसलिए ये दूसरा कारण है। बोले तीसरा कारण क्या है? आप लोगों ने मेहंदी लगाए हो? कौन कौन कभी मेहंदी लगाए हो? आप लोगों मेहंदी पत्ते देखे हो? आप बताओ तो मेहंदी पत्ते का रंग क्या है?
लेकिन क्या सचमुच से वो हरा है? आप बताओ क्या वो हरा है? लाल है, लेकिन ऊपर से क्या दिखती है? हरी हरी। उसको पीसो तभी वो हरी हरी दिखेगी, लेकिन जब आप आपका हाथों से तैयार वो मेहंदी लगा लेते हो फिर कौन सा रंग हो जाता है? इतना लाल हो जाता है महीना तक तक धोगे ना तो लाल नहीं छूटती है। उसी तरह भागवत ऊपर से हरा हरा मतलब कृष्ण कृष्ण दिखते हैं, लेकिन अंदर में जब छांक करके देखो ना वो कृष्ण कृष्ण नहीं, अंदर में कौन है? जोर जोर से अंदर में राधा ही राधा दिखेगा आपको। क्यों? तो आत्मा तो राधिका ही हो, कृष्ण का जो आत्मा है ना उसमें। चौथा कारण बताए, कहते राधा जी की जो भक्ति है दुर्लभ है, इतने दुर्लभ है। आप लोग वृंदावन गए होंगे, एक सेवा कुंज गए, सेवा कुंज गए हो आप? कोई कौन सेवा कुंज गए हो? निकुंजवन हिंदुवन सेवा कुंज कौन कौन गए हो? देखना उसका नाम सेवा कुंज क्यों नाम पड़ा? कारण है कृष्ण जी के चरणों की सेवा की। सारा दुनिया बांके बिहारी को सेवा करता है, लेकिन बांके बिहारी किसकी सेवा की? राधा जी के चरण की सेवा की थी, इसलिए वो स्थान का नाम सेवा कुंज है। इसलिए रसखान कहते हैं बैठ पैलो तो राधिका पाया। वो कृष्ण को बांके बिहारी को सारा दुनिया ढूंढे लेकिन कहीं मिले नहीं, लेकिन बोले एक जगह में मिले। बोले कहाँ पर? बोले सेवा कुंज में। बोले क्या करते हुए मिले? बोले राधा रानी की चरण की सेवा करते हुए मिले। इसलिए राधा रानी की जो महिमा इतने दुर्लभ है, राधा जी की भक्ति इतने आसानी भक्ति नहीं है। उदाहरण देकर समझाए, जैसे बहता हुआ नदी, इसका इको थ्रा मतलब यहाँ पर है माइक वाले में। इसलिए जैसे बहती हुई नदी का पानी देखना सब पी सकते हैं, एक जानवर पीलेगा इंसान चिड़िया सब पी सकता है, लेकिन अगर कुएं में पानी होना देखना कुएं का पानी सब नहीं पी सकते हैं, कौन पिएगा? जिसको पास में रस्सी कोई पात्र होना वही केवल कुएं का पानी पी सकता है, कुएं का पानी सभी नहीं पी सकते हैं। कहते जो बहाता हुआ जो नदी का पानी कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति तो सब कर सकते हैं भैया, राधा जी की भक्ति इतना आसानी भक्ति नहीं। कृष्ण भी जिनकी चरण की सेवा करते हैं और राधा जी की चरण की कौन, राधा जी की भक्ति कौन कर सकते हैं? जिनको पास में रसी कोई पात्र होना वही कर सकते हैं। जब तक हम किसी रसी की परंपरा में नहीं जुड़ेंगे, जिस परंपरा में राधा जी की भक्ति विशेष करके होती है, जब तक उसी परंपरा में नहीं जुड़ोगे ना भैया, राधा रानी की भक्ति इतना आसानी भक्ति नहीं तो राधा जी की भक्ति नहीं मिलेगी आपको। इसलिए राधा रानी का भक्ति दुर्लभ है। इसलिए वृंदावन में किसका नाम लेते हैं सब के सब? इसलिए कोई भी बांके बिहारी का नाम नहीं लेते, सब किसके नाम लेते हैं? हाँ बोले राधे राधे रटो चले आएंगे, हाँ राधा जी का नाम लेते ही कृष्ण अपने आप दौड़ दौड़ करके आते हैं। अभी हम राधा जी की कथा सुनते हैं। कहते जो वृषभ महाराज, कहते इनके घर में एक बेटा था। देखो अभी कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं ना, देखना घर में जब कोई बेटी जन्म लेती है सारा दुनिया कहते घर में लक्ष्मी आई कि कौन आई है, लेकिन बेटा आए तो कोई कहता है नारायण आया, लेकिन अगर बेटी आई ना सारा दुनिया कहते घर में माँ लक्ष्मी आई। अब सच मुझे देखना जिस घर में बेटी आती है ना माँ लक्ष्मी कृपा होती है। अब देखना कन्या को जब दान की जाती है उनको लक्ष्मी रूपा मान करके दान की जाती है, इसलिए कन्या दान को सबसे बड़ी दान बताया गया। और कन्या का हाथ ऊपर रहता है ना और लड़का का हाथ बड़ा हाथ नीचे रहता है, इसलिए लड़की जन्म लेते ही दान पुण्य करना शुरू हो जाती, दान पुण्य शुरू हो जाती है। इसलिए भैया अगर माताएं नहीं होगी ये दुनिया रहेगा? अगर केवल बेटा ही बेटा सारा दुनिया हो जाए बताओ ये दुनिया सृष्टि हो सकती है? बुआ नाती पोती भाई बंधु कहाँ से होती? माताएं हैं तभी ये दुनिया चल रही है। इसलिए माताओं को लक्ष्मी बताई गई, माताओं की लक्ष्मी बताई गई। इसलिए वृषभानंद महाराज सोच रहे हैं घर में तो एक बेटा है लेकिन घर में एक बेटी होनी चाहिए, क्योंकि बेटी आए तो लक्ष्मी आई कहती है। एक दिन उन्होंने एकदम ब्रह्म मुहूर्त में रोज ये यमुना में स्नान करने जाते हैं, जब वो स्नान करने के लिए गए देखा एक सततल कमल पुष्प के ऊपर में बड़ी सुंदरी एक प्यारी बालिका किलकार किलकार मारते हुए अपना अंगूठा को चूसते हुए पानी में बहते हुए आ रही है, और उसकी ज्योति से चतुर्थी को भास
so much, Maharaj. अब उन्होंने लाल जी को उन्होंने गोद में उठा लिया. राधा उसको ले करके श्री कृतिका. कृतिका कौन है? उनकी पत्नी का नाम कृतिका सुंदरी को दिया. बोले देखो हम बोल रहे थे ना एक लाली होनी चाहिए. देखो ठाकुर का कृपा. देखो एक लाली ठाकुर ने दिया. बड़े जतन पूर्वक लाली को पालन कर रहे थे. अभी नारद जी ने देखा कृष्ण तो गोकुल में आए. कृष्ण कभी अकेले नहीं आते हैं, वो राधा रानी को साथ में आते हैं. अभी राधा रानी कहा वो गली गलियों में जा जाकर घर घर में घूम रहे हैं. कहीं ललिता कहीं विशाखा कहीं चंपकलता कहीं श्रीदाम वसुदाम ये सब. लेकिन वो राधा रानी नहीं मिल रहे थे. जब श्री वृषभानंद महाराज जी के घर में आए बोले आपका घर में कोई लाली भाई बच्चा भय हो. तब उन्होंने श्रीदाम भैया को दिखाई. बोले घर में कोई लाली हुई कि नहीं? चुप हो गए. बोले बताओ लाली हुई कि नहीं? बोले हाँ एक लाली भी हुई. बोले लेकर के आओ. जब लेकर के आए नारद तो देखते ही पहचान गई ये कौन है. ये रमेश्वरी क्षमेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी हैं श्री राधिके नमस्ते. यही कृष्ण की. अभी वो राधा रानी को थोड़ा स्तुति स्तव करना चाहते हैं लेकिन वो तो सोच रही है हमारा बच्चा है. तब उन्होंने बहाना बनाए. बोले एक काम करो तुम्हारी बच्ची को मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ थोड़ा फूल लेकर के आओ. जब वो अंदर में गए ना इतने में राधा रानी किशोरी हो गई और ललिता विशाखा सब सखिया प्रकट हो गई. ललिता कह रही है बाबा जल्दी जल्दी स्तुति करो नारद जी नहीं तो अभी अभी राधा रानी अंतर ध्यान हो जाएगी. तब उन्होंने उनको स्तुति की. देखो जो स्तुति का नाम है राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र. जैसे आप लोग अलग अलग स्तोत्र पढ़ते हो ना घर में ये स्तोत्र जरूर पढ़ा करो. राधा कृपा कटाक्ष से मतलब अगर ये स्तोत्र को पढ़ोगे आपको ऊपर में राधा जी की जरूर कृपा होगी. ये राधा रानी कौन है? ये जगत में जितने देवी है ना उमा रमा सत्या सची जितने देवी लक्ष्मी कौन है? ये राधा जी से प्रकाश होती है. ये मूल जो भगवान की लादनी शक्ति राधा इनसे ही जरा सारे शक्ति इनसे ही प्रकट होती है. जब राधा रानी की कृपा हो जाए ना विश्व ब्रह्मांड में देवी देवता अपनी आप प्रसन्न हो जाएंगे. तब राधा कुंड श्याम कुंड में जो व्यक्ति घुटन तक पानी हो कमर में तो छाती तक पानी में खड़े होकर के 108 बार वो स्तोत्र को पढ़े राधा रानी स्वयं राधा कुंड से प्रकट होकर के साक्षात उनको दर्शन देती. इतने शक्ति ये राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र में. तब नारद जी बड़े सुंदर स्तुति करते हैं. इसका दो श्लोक में सुनाता हूँ. आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलो. बोले मुनिन्द्र बिंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणि प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासे व्रजेन्द्र भानु नन्दिनि व्रजेन्द्र सोन संगते कदा धरिष्य शीयमा कृपा कटाक्ष अशोक वृक्ष बल्लरि पिताय मण्डप स्थिते प्रकाय भाय पल्लव प्रभाय मातृ कोमले कया गय सुरतरे प्रभूत संपदाय कदा करिष्य शीयमा कृपा सारे ब्रज मंडल में नौता दे दी. मेरे लाली ने जन्म ग्रहण की सब बधाई देने के लिए आओ. इतने में राधा रानी जन्म से आंख बंद करके रखी. बोले सर्वप्रथम आंख खोली की तुम्हें श्री कृष्ण दर्शन करके दुनिया को देखूंगी. जब श्री मैया जसोदा आई अपना लाला कान्हा को लेकर गई और जिस पलंग में राधा रानी लेटी हुई थी उसमें उन्होंने कृष्ण को रख दिया. इतने में कृष्ण अपना हाथ वो राधा जी के ऊपर रखते ही बस राधा रानी एकदम गदगद हो गई. इतने में उन्होंने अपना आंख खोले
आंख खुले तो सामने उन्होंने श्री कृष्ण दर्शन की। बड़े धूमधाम से राधा रानी की जन्म महोत्सव का वर्णन करें। अभी श्री राधा रानी की बड़ी सुंदर बधाई आएगी, इसलिए आप लोग देखो राधा रानी की बधाई में जो नाचेगा ना माँ लक्ष्मी की, ये मूल लक्ष्मी श्री राधा रानी, ठीक है? बोले श्रीमती राधा रानी की। देखो आज आप लोगों को जो प्रसाद है, हमारी माता जी बैठी है, कहते श्री हेम प्रधान माता जी, और आज आपके लिए समोसा और की है, इसलिए आप इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। ठाकुर जी इनको खूब आशीर्वाद दे, खूब फलते फलते रहे और घर में इनकी सुख शांति घर में, इसलिए आप सब के सब खड़े हो जाओ। आप लेकर के आओ राधा रानी को लेकर के आओ। कहाँ राधा रानी भैया? राधा रानी को लेकर के आओ। सबके सब इन कब्र में पुष्प की बोझा है, मेरे इन कब्र में सबके सब उबर सारे में धूम मची हारी आयो हे I'm
संभाल के रखा था तब 15 लोग ढूंढ रहे संभाल के रखा था आंटी ने दिया है मुझे सिराजे आप लोगों से एक निवेदन है हमारे जो मेहमान हैं यहाँ के उनका एक होगा Yeah.
चले मारा